ओम शांति। सभी प्यार से एक बार बोलेंगे ओम शांति। अभी तक हम सभी सुन रहे थे, लेकिन आज का अभी का सेशन से पैनल डिस्कशन। इस पैनल डिस्कशन के अंदर पैनलिस्ट को आप अपने तरफ से एक टॉपिक के आधार पर कोई भी प्रश्न पूछ सकते हैं। आपको नीचे कोई दो भाई रहेंगे, आपको कुछ पर्ची भी मिलेंगी, आप लिख करके आप दे सकते हैं। तो आज का जो टॉपिक है, पैराडाइम शिफ्ट फॉर सस्टेनेबल प्रोग्रेस। हम सभी उन्नति चाहते हैं, तो सतत उन्नति के लिए आमूल परिवर्तन, सतत उन्नति के लिए आमूल परिवर्तन। तो आज के इस प्रोग्राम में मैं हमारे पैनलिस्ट जो हमारी आज की चेयरपर्सन राजयोगिनी ब्रह्मा कुमारी अवधेश दीदी, जो कि इस विंग की नेशनल कोऑर्डिनेटर भी है और हमारे मध्य प्रदेश भोपाल जोन की जोनल डायरेक्टर भी है, मैं आपको आमंत्रित करना चाहूँगा कि आप मंच पर अपना स्थान ग्रहण करेंगे। भ्राता बीके सीताराम भाई मीना, आईएएस रिटायर्ड, प्रिसाइडिंग ऑफिसर लेबर कोर्ट, आपको भी मैं आमंत्रित करना चाहूँगा कि आप मंच पर अपना स्थान ग्रहण करेंगे। श्रीमती सुनीता सरकार, ओएएस, प्रोजेक्ट डायरेक्टर, डिस्ट्रिक्ट अर्बन डेवलपमेंट एजेंसी कटक। भ्राता शिरीष भाई सप्रे, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, गुजरात सेफ्टी काउंसिल बरोड़ा। और ब्रह्मा कुमारी वीणा दीदी, जो सिरसी से आए हैं, कर्नाटक से, जो सीनियर राजयोग टीचर। तो आज का सेशन शुरू करने से पहले, जैसे कि हम किसी भी कार्य की शुभ शुरुआत प्रभु पिता परमात्मा के याद से करते हैं जिससे कि सफलता प्राप्त होती है, हम उस पिता परमात्मा की पावन स्मृति में बैठेंगे। अभी वेलकम डांस के लिए मैं कुमारियों को आमंत्रित करना चाहूँगा। ये आंगन, ये द्वारे, कुमारी यशस्वी, कुमारी श्री और कुमारी कुमकुम।
पुष्प प्रेम के लाए हैं हम, सेवा है आराधना। दीप जलाए श्रद्धा के हम, आरती है सद्भावना। द्वारा बहुत सुंदर हमारा सभी का स्वागत किया। अभी हम आज के टॉपिक पर आते हैं, पैराडाइम शिफ्ट फॉर सस्टेनेबल प्रोग्रेस, सतत उन्नति के लिए परिवर्तन। उन्नति के भी कई रूप होते हैं और लोगों के अंदर भी उन्नति के लिए कई मान्यताएं और विचार है। जनरल तौर पर इंसान ऐसे मानता है कि उन्नति माना भौतिक साधनों की उपलब्धि हमारे पास हो जाए तो हम कहां से कहां तक पहुंच गए। जनरल ऐसी मान्यताएं हैं, लेकिन उन्नति के कई रूप भी हैं और जनरल इस उन्नति से हमारे जीवन में कितनी सारी नेगेटिविटी भी आ जाती है। हम ये भौतिक उन्नति के पीछे इतने पड़ जाते हैं, जो शारीरिक स्वास्थ्य की उन्नति, हमारे आपसी रिलेशनों के अंदर जो उन्नति, ये सारी पीछे छूट जाती है और हम भौतिक उन्नति के पीछे पड़ जाते हैं और फिर उसका रिजल्ट हम सभी जानते भी हैं। तो उन्नति के ऐसे कई रूप हैं जिसके ऊपर हम आज यहाँ पर डिस्कशन करेंगे,
लेकिन सबसे पहले मैं राजयोगिनी ब्रह्मा कुमारी अवधेश बहन जी, जो कि मध्य प्रदेश भोपाल से पधारी हैं, आप भोपाल जोन के 100 के उपरांत सेंटरों की डायरेक्टर है, वहाँ से ज्ञान वीणा जो पब्लिश होती है उसकी चीफ एडिटर भी हैं, और बचपन से ही बाल्यकाल से ही वो इस संस्था के साथ जुड़ी हुई है। मैं आपसे अनुरोध करना चाहूँगा कि आज के इस टॉपिक पर पहले वो अपना प्रकाश डालेंगी और फिर हम पैनल डिस्कशन शुरू करेंगे। तो ब्रह्मा कुमारी अवधेश दीदी जी। ओम शांति, ओम शांति। आप सभी ने आज के विषय को अच्छी तरह से समझ ही लिया होगा कि हम सतत उन्नति की ओर, निरंतर उन्नति की ओर बढ़ते रहें तो उसके लिए परिवर्तन आवश्यक है। तो मैं आप सभी से पहले ये पूछना चाहूँगी, ये संकल्प तो आप सभी का है ना कि हमें उन्नति की ओर निरंतर गति से बढ़ते रहना है, और बढ़ते रहना है तो निश्चित ही परिवर्तन स्वाभाविक रूप से करना है। और आप सभी को मैं ये विश्वास भी दिलाना चाहूँगी कि भाग्य विधाता भगवान ने आप सभी को इसी संकल्प के लिए चुना है कि आप ऐसी विशेष आत्माएं हैं जो स्वयं की भी उन्नति करना चाहते हैं और दूसरों की भी उन्नति करना चाहते हैं, इसलिए आपको स्पेशली निमंत्रण देकर यहाँ बुलाया है। और आपने उस निमंत्रण को स्वीकार करके यहाँ तक पहुँचे हैं, इसका मतलब भगवान की योजना में आप सिलेक्टेड आत्माएं हैं। इस संकल्प को स्वीकार करते हैं ना, तालियां बजाइए अपने लिए। तो सबसे पहले मैं आप सभी को अपने अनुभव के आधार पर यही बताना चाहूँगी कि हम अपने लिए, सबसे पहले अपने लिए हम एक ऐसा संकल्प करें, कुछ ऐसी वैल्यूज को लेकर हम चलें जिससे हमारी उन्नति होती रहे। और सबसे पहली वैल्यूज है हाई थिंकिंग, बड़ा विचार, विशाल सोच, ऊंचा सोच। क्योंकि आप सभी जानते हैं जैसा सोच होता है वैसा ही स्वरूप बनता है, जिस प्रकार का होगा वैसा ही बनेगा। हमारे कोई भी कार्य करने की जो स्टार्टिंग विधि होती है वो कहाँ से शुरू होती है? मन से होती है ना। इसलिए संसार में कहा गया है कि मन अपार और अनंत शक्तियों का स्वामी होता है। मन के आधार पर ही जगत का निर्माण होता है। जैसा हम संसार चाहते हैं, अपने जीवन का संसार, अपने परिवार का संसार और दुनिया का संसार, इस संसार के निर्माण में सबसे पहली प्रथम भूमिका हमारे मन की होती है। कहा जाता है मन से हारे हार है और मन से जीते जीत। दुनिया में अच्छे से अच्छा करने के लिए, स्वर्णिम संसार बनाने के लिए आप देख रहे हैं हर व्यक्ति, हर हस्ती, छोटा हो बड़ा हो, जिसमें जितनी भी ताकत हो, वो इसी भावना से लगे हुए हैं कि सब सुखी हों, सब स्वस्थ हों, दुनिया बहुत अच्छी हो।
परंतु हम ये देखते जा रहे हैं कि वो अच्छा अच्छा सोच करते करते अच्छाइयों की तरफ तो बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन वो अच्छाइयाँ कौन सी हैं? मकान बहुत अच्छा हो, साधन बहुत अच्छे हों, सुविधाएं सबसे अच्छी हों, इनके भौतिक साधनों की तरफ हम अग्रसर हो रहे हैं, जो हमें सुविधाएं प्रदान कर रहे हैं, जिनका अल्पकालीन सुख का अनुभव भी हम कर रहे हैं, पर धीरे धीरे क्या हो रहा है? आंतरिक शक्तियों का ह्रास होता जा रहा है, हर प्रकार से हम मानसिक रूप से डाउन होते जा रहे हैं। जो हमारे अंदर विशेषताएं आनी चाहिए, उनसे हम बहुत दूर होते जा रहे हैं। तो मैं आप सभी को यही कहूंगी कि सबसे अच्छा सोच अभी तक हम अपने लिए जब किसी भी मंदिर में जाते हैं क्या सोचते हैं और क्या बोलते हैं? मैं नीच हूँ, मैं पापी हूँ, मुझ निर्गुण हारे में कोई गुण नाहीं, यही कहते हैं ना, मुझ निर्गुण हारे में कोई गुण नहीं। अब कोई गुण है ही नहीं, हम किस काम के, किस मतलब के? जब आपके अंदर ये सोच है कि हमारे में कोई गुण ही नहीं है, कोई कलाएं ही नहीं है, हम तो नीच हैं, पापी हैं, कामी हैं, क्रोधी हैं, हम कलयुग इंसान हैं, ये ठीक है? आप जो कह रहे हैं, जिस स्थिति से आप गुजर रहे हैं वो कह रहे हैं, वो तो ठीक है, लेकिन वास्तव में ठीक है? ऐसे ही रहना चाहते हैं? आगे बढ़ना चाहते हैं ना, उन्नति करना चाहते हैं? तो हमें अपने सोच में क्या लाना होगा? मैं विशेष दिव्य आत्मा हूँ। जो यहाँ लक्ष्य दिया जा रहा है कि नर ऐसी करनी करे जो नारायण बन जाए और नारी ऐसी कर्म करे श्री लक्ष्मी कहलाए, क्योंकि हमारा भारत देश ऐसा था और हर प्रकार से हम अपने जीवन को बहुत ही खुशहाल अनुभव करते थे। तो मेरे कहने का भाव, जब हम ऐसी बात करते हैं कि आप होवनहार देवता हो, हमारे अधिकतर भाई बहन, बहन जी आप क्या बात कर रहे हैं, हम ऐसे हैं वैसे हैं, कहाँ देवता और कहाँ हम, जमीन और आसमान का अंतर है। सही बात है, अंतर है, लेकिन क्या हमें इस अंतर को नहीं मिटाना है? ऐसे ही रहना है, जिंदगी इसी तरीके से चलती रहे? तो अच्छा सोच लाने में कोई फीस तो नहीं लगती है, कोई मुसीबत भी नहीं है, कोई संघर्ष नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, केवल अच्छा सोच। तो आज से अपने आप में ये दृढ़ संकल्प ले लें, मुझे देवता बनना है, मुझे मनुष्य से देवता बनना है। प्यारे भाई और बहनों, इस राज को भी अच्छे से समझना है कि देवता बनने के लिए आपको जो दिखाते हैं ना, हाथी की सूंड वाला ऐसा गणेश नहीं बनना है, चार भुजा वाला ऐसा विष्णु नहीं, वो आठ भुजा वाली ऐसी दुर्गा नहीं, इनके आध्यात्मिक रहस्य को समझना है। जब आप एक दैवी जीवन की क्वालिफिकेशन को समझेंगे कि वो भी मनुष्य ही थे, लेकिन वो मनुष्य कैसे थे, वो मनुष्य कैसे थे, किस क्वालिटी के थे? वैल्यूबल, मूल्यवान। उनकी वैल्यूज कितनी है, उस वैल्यूज को आप जानते हैं? और आज इतने समय की बात, हमारे भारत देश के इतिहास को जब दोहराते हैं, आज से 5000 वर्ष पहले
हमारा भारत स्वर्णिम था और 5000 वर्ष की उन विशेष आत्माओं की जीवन गाथा आज भी उसी तरीके से गा रहे हैं जैसे कल की बात है, गा रहे हैं ना। हमारे देश का फाउंडेशन कितना ऊंचा था, जो भारत देश सारे विश्व का जगत गुरु कहलाता था। प्यारे भाइयों बहनों, वो आत्माएं ऊपर नहीं बैठी हैं, कभी हीरो पार्टधारी आत्माएं ड्रामा से कट नहीं होती हैं, वो बराबर निरंतर रूप बदल बदल कर अपने ड्रामा में एक्ट करती रहती हैं। आज मैं आपको ये विश्वास दिलाना चाहती हूँ, वही हीरो आत्माएं आज भारत के कोने कोने से भगवान ने छांट छांट कर यहाँ बुलाया है। भगवान कहते हैं इस दुनिया के मेले में है, इस दुनिया के मेले में है देव आत्माएं छुपी हुई, और करो मुनादी उनको ढूंढो कि कहाँ कहाँ है छुपी हुई। हमारे भाई बहनों ने आप सभी को ढूंढ ढूंढ कर निमंत्रण दे दे कर और यहाँ तक लाए हैं, आप कितने खुश नसीब हो। अपने भाग्य के लिए जोर जोर से तालियां बजाइए और इस बात पर आज विश्वास कर लीजिए, क्योंकि विश्वास और विश्वास में दृढ़ता, विश्वास और विश्वास में दृढ़ता ये सफलता का हार है। विश्वास है और विश्वास में दृढ़ता नहीं है तो सफलता नहीं मिल सकती। प्यारे भाइयों बहनों, दृढ़ता की वो शक्ति है, दृढ़ता की वो शक्ति है कि जो चाहे सो कर सकती है। उसके लिए असंभव शब्द कहीं डिक्शनरी में नहीं है। तो आज आप दृढ़ता की शक्ति को अपनाइए कि मुझे भगवान ने चुना है, मैं होवनहार विशेष आत्मा हूं और मुझे अपनी उन्नति अब एक साधारण मानव से बढ़कर दिव्यता की ओर जाना है, और मुझे देवता और देवी का रूप धारण करके स्वयं के जीवन को भी मूल्यवान बनाना है और अपने परिवार को भी, अपने समाज को भी और सारे संसार को भी। तो हाई थिंकिंग। दूसरी वैल्यूज है ऑनेस्टी विद सेल्फ। ये हमारे अंदर जो वैल्यूज आएंगी वो इस वैल्यू के आधार पर आएंगी, ऑनेस्टी विद सेल्फ, स्वयं के प्रति ईमानदार रहें। आज हम कोई भी कार्य करते हैं, कोई भी कार्य करते हैं, कोई देख तो नहीं रहा, किसी को मालूम पड़ गया तो, पकड़ में आ गए तो, किसी ने बोल दिया तो, किसी को क्या देख रहे हैं आप? कोई भी समस्या आएगी, कोई परेशानी आएगी, आपका साथ देने वाला भाई बहनों कोई नहीं बनेगा, कोई नहीं बनेगा। आपका साथ तो केवल आपकी आत्मा और उसका पिता परमात्मा ही बन सकता है। आपसे बढ़कर अच्छा देखने वाला संसार में कोई है? ये जो संस्कार आप बना रहे हैं किसी और के लिए नहीं, अपने लिए। जो भी कुछ बोल रहे हैं अपने लिए, जो कुछ आप कर रहे हैं अपने लिए, जो कुछ है उसको आप अच्छे से जानते हैं। इसलिए कहते हैं आत्मा ही अपना मित्र है और आत्मा ही अपना शत्रु है। लेकिन हमारी स्थिति कैसी रहती है, मेंटलिटी कैसी रहती है, किसी को पता ना पड़े। इस राज को आप जान जाइए, किसी को पता पड़ने की कोई जरूरत नहीं है। मुझे सब कुछ पता है, सब कुछ पता है, और विज्ञान इतना क्लियर होता जा रहा है, इतना क्लियर होता जा रहा है कि एरे गेरे किसी से पूछ करके आपका फैसला करने की जरूरत नहीं है। भगवान स्वयं तो लैक्टोमीटर है ही है, जब आपकी आत्मा आएगी सामने तो एकदम इमीडिएट आपका हिसाब किताब सब क्लियर हो जाएगा। लेकिन विज्ञान,
विज्ञान जो उन्नति कर रहा है वो संसार को कुछ विशेष बनाने के लिए। जब विज्ञान का एक इंजेक्शन आपको लगेगा और अंतरात्मा ने जो कुछ किया सब बड़बड़ाना शुरू हो जाएगा, और आप देख रहे हैं, अनुभव सुन रहे हैं आप, एक इंजेक्शन लगा के सुलाया जाएगा और थर्मामीटर बुखार की तरह से लगाया जाएगा और आप अपनी सच्चाई और बुराई सब बताना शुरू कर देंगे। किससे कौन विटनेस लेंगे आप, कौन वकील बनेगा, कौन जज बनेगा, समझ रहे हैं? आप ही अपने लिए जज और आप ही अपने लिए वकील हैं। मेरे कहने का मतलब, अपनी कर्म फिलॉसफी को अच्छा बनाना चाहते हैं तो भगवान ने जो गीता में बताया है कि राजयोग की परिभाषा क्या है, योगा कर्मेशु कौशलम। योग अर्थात योग्य, योग्य केवल बैठक और समाधि को या घर बार छोड़ने को, जंगलों में जाने को उसको योगी का टाइटल नहीं मिलता है। योगी मन वचन कर्म की एक्यूरेसी, योगी अर्थात अपने कर्म की रेस्पॉन्सिबिलिटी। आप अपने कार्य को जिम्मेवारी के साथ कर रहे हैं, ऑनेस्टी के साथ कर रहे हैं, टाइमली आप कर रहे हैं, प्यूरिफाई होकर आप कर रहे हैं, ईमानदारी से कर रहे हैं, ये क्वालिफिकेशन आपके जीवन में आनी चाहिए। और इस क्वालिफिकेशन को लाने के लिए परमात्मा ने राजयोग मेडिटेशन की विधि बताई है कि आपके अंदर में इतनी विल पावर स्ट्रांग हो जाए, आप अपने संकल्प में सिद्धि प्राप्त कर सकें, आप अपने कारोबार को सुंदर तरीके से निभा सकें, आप दूसरों के साथ, परिवार के साथ, फैक्ट्री में, कंपनी में, बिजनेस में रिलेशनशिप सुंदर तरीके से निभा सकें, जो भी आपकी जवाबदारी है उसको हर प्रकार से अच्छा कर सकें, राजयोग। राजयोग मीन्स जिससे स्वयं भी राजी रहें और सर्व राजी रहें, उसको राजयोग कहा जाता है। राजयोग माना अपनी कर्मेंद्रों पर कंट्रोलिंग पावर, जो हमें करना चाहिए वो हम कर सके, इतनी ताकत हमारे अंदर आ रहा है। राजयोग राजाओं का भी राजा बनने वाला योग। राजाओं के भी राजा कौन है? देवी और देवता हैं, जिनके आगे संसार झुक रहा है। राजयोग ने सुपर है ना, सब उनके आगे नतमस्तक होते हैं, चाहे कितने बड़े से बड़ा क्यों ना हो। ऐसा राजयोग परमात्मा बच्चों को सिखा रहे हैं। तीसरी, इस राजयोग को अपनाने के लिए हमारे अंदर कौन सी क्वालिफिकेशन होना कंपलसरी है? वो है हेल्दी फूड। हेल्दी फूड, जैसा खाएंगे अन्न और वैसा ही बनेगा मन, जैसा पिएंगे पानी और वैसी होगी वाणी। ये शब्द के हिसाब से सबके पास नॉलेज है, लेकिन क्या समझ रहे हैं? हेल्दी फूड, बड़े बड़े अंडे खाओ, एक की जगह चार खाओ, किसी का मांस खाओ, किसी की जान खाओ और हम पहलवान बन जाएं। तो आप सोच लीजिए, किसी की जान खाने से आपकी जान सेफ रहेगी? बस सोचिए, दिमाग लड़ाइए, किसी के भी बच्चे खाने से आपके बच्चे सेफ रहेंगे, आप सेफ रहेंगे? ये 500 प्रकार की संसार में नित नई बीमारियां निकलती जा रही हैं, क्यों निकल रही है? मनुष्य तो एकदम निरोगी है नहीं, ये पशु पक्षी, ये कीड़े मकोड़े, ये निरोगी हैं, ये मुर्गी निरोगी है, ये मछलियां निरोगी हैं, ये गाय भैंस निरोगी है? सोचिए, दिमाग दौड़ाइए, सब पढ़े लिखे एजुकेटेड हैं, जिनका आप मांस खा रहे हैं, जिनकी आप जान खा रहे हैं, वो निरोगी हैं? वो रोग आपके शरीर में आ रहे हैं, नित नई बीमारियां क्यों हो रही हैं? ज्यों ज्यों दवा की जा रही है त्यों त्यों रोग बढ़ता जा रहा है, सब प्रकार की ट्रीटमेंट निकल रहा है पर रोग क्यों बढ़ रहा है? खान पान हमारा बिगड़ रहा है,
और आप सभी जानते हैं आज से कुछ समय पहले रियली किसी को बुरा नहीं लगना चाहिए, जहाँ तक मुझे अनुभव है, मांस मछली ये अंडे संडे जो भी खाते हैं उनको मालूम कौन सा टाइटल मिलता है? हमारे जो बचपन में घरों में वो राक्षस प्रवृत्ति के होते हैं। किसी की जान खाना इंसानियत है, इंसानियत है। गहराई में जाइए आप, किसी फैशन हो गई है, खान पान ही गड़बड़ हो गया है और हम अपनी भारतीय सभ्यता संस्कृति को समाप्त करते जा रहे हैं। कौन सी सभ्यता में किस देवी को हम मांस खिला रहे हैं, शराब खिला रहे हैं, अंडे खिला रहे हैं, किसको खिला रहे हैं? और जो कोई खिला भी रहे हैं ना, वो अपना व्यापार बढ़ाने के लिए पट्टी पढ़ा रहे हैं। देवियां देवताएं, किसी की भोजन की थाली में शराब की बोतल देखी है क्या? फलों की जगह अंडे देखे हैं क्या? सब्जी की जगह मांस देखा है क्या? रामचंद्र इतने सीता जी के विलाप में इतने बनवन भटकते रहे, टेंशन में आके शराब पी क्या? खाना नहीं मिला तो अंडे खाए क्या? किसी की जान खाई क्या? सोचिए आप, मर्यादित जीवन, पुरुषोत्तम जीवन, ऐसे जीवन जीने की कला परमात्मा सिखा रहे हैं। इसलिए प्यारे भाइयों बहनों, अगर हम पावर की बात करते हैं तो सबसे बड़ी पावर हमारे भारत में हॉर्स पावर कहा जाता है ना। वो तो किसी की जान नहीं खाता और सबसे ज्यादा बुद्धिमान में बुद्धिमान, जिनको हम श्री गणेशाय नमः कहते हैं, उनको हाथी की सूंड दिखाते हैं। वो किसी की मांस और जान नहीं खाता है, पहलवान है, बुद्धिमान है, शक्तिवान है। समझ रहे हैं ना? ये हम कौन सी सभ्यता को स्वीकार कर रहे हैं? ये हमारी भारतीय सभ्यता नहीं है, ये हमारी पाश्चात्य सभ्यता है। और पाश्चात्य सभ्यता कोई की भी हो, आपको डाउन करने वाली हो सकती है, प्रोग्रेस करने वाली नहीं, उन्नति को ले जाने वाली नहीं। हर शक्तियों का हराश हो। भारतवासी इतने आगे कैसे, सोने की चिड़िया कैसे, यह हर प्रकार से विश्व गुरु कैसे? डाउन करो। और सबसे बड़ा सस्ता और जिसको पता नहीं गुप्त षड्यंत्र कौन सा है? भोजन। हम किसी का मर्डर ना करें, कोई कत्ल ना करें, चुपके से खिला दो। ऐसा खिला दो जो धीरे धीरे अपने आप ही सो जाए। प्यारे भाइयों बहनों, आप सब पढ़े लिखे एजुकेटेड हैं, सब समझदार हैं। हमें सतत उन्नति के लिए, महापरिवर्तन के लिए ये दृढ़ संकल्प करना ही पड़ेगा कि हमें सात्विक भोजन करना है, जिससे हमारे अंदर में वो शक्तियाँ जागृत हों कि हम बुराइयों पर, कमजोरियों पर विजय प्राप्त कर सकें। और चौथी बात है हैप्पी मूड। आप मुस्कराइए। बॉस हैं तो क्या, आपका परिवार है, कंपनी है, चाहे बिजनेस है, घर है, कुछ भी है, बॉस बनके उस फील्ड में रहिए जो आपकी रेस्पॉन्सिबिलिटी है। जो आपकी रेस्पॉन्सिबिलिटी है आप बॉस की नीति से बराबर लीजिए। लेकिन जहाँ टीम वर्क की बात आती है, अधिकारी कर्मचारियों की बात आती है, चाहे कोई समस्या की बात आती है, चाहे कोई वर्क की बात आती है, आप फ्रेंडशिप प्यार से, नम्रता से, हर प्रकार से खुश रहकर, क्योंकि खुशी जैसी कोई खुराक नहीं है और खुशी जैसा कोई खजाना नहीं है और खुशी जैसा कोई शस्त्र नहीं है। प्यार से, खुशी से आप जो चाहे सो करवा सकते हैं, जितना चाहे आप मोल्ड कर सकते हैं। इसलिए अपने मूड को खराब कभी मत कीजिए। आता है, इंसान है, परिस्थितियाँ मजबूर करती हैं, टेंशन आता है, इमीडिएट अटेंशन की टैबलेट खाइए, ऐसे नहीं। सेल्फ अटेंशन, मैं कौन हूँ, जिनसे मैं बात कर रहा हूँ इनकी मुझे ज़रूरत है। बायकॉट करने की,
डिस्टर्ब करने की ज़रूरत नहीं है, इनको मोल्ड करने की ज़रूरत है, इनको आगे बढ़ाने की ज़रूरत है, इससे बहुत कुछ काम लेना है। इसलिए एक अच्छे प्रशासक प्रबंधक होने के साथ साथ हमें एक अच्छा लीडर बनने का भी संकल्प होना चाहिए। टीम को लीड वही कर सकता है जो प्यार और मोहब्बत से काम लेना जानता हो। टीम के हर प्रकार से यूनिटी में रहने का वही संकल्प दे सकता है जो सबको प्यार से अपने समीप लाने का संकल्प करता हो। प्यारे भाइयों बहनों, मेरी शुभ भावना है कि आज आपके सामने बहुत अच्छा विषय भगवान ने चुना है और हम सबका दृढ़ संकल्प है कि हमें अपने आप को, अपने परिवार को और समाज को, संसार को सतत उन्नति की ओर, सारा संसार एक तरफ और भारत देश एक तरफ, ऐसा विश्व गुरु बन जाए, ऐसे हम हीरो पाठधारी बन जाएं, तो मेरी शुभ भावनाएं। हम सब तैयार हैं, बोलिए तैयार हैं, तैयार हैं। ध्यान रखना, होटल में जाके कुछ ऐसा वैसा मत खाना, घर में खाना बनवा के खाना। ओम शांति। ओम शांति। अभी हमारे बीच हमारी आदरणीय अवधेश दीदी ने अपनी उन्नति के लिए क्या क्या हमें करना चाहिए, सतत हमारा प्रोग्रेस कैसे होता रहे, तो पहले अपने लाइफ के अंदर इस स्पिरिचुअलिटी को कैसे अपने जीवन के अंदर लाएं और स्पिरिचुअलिटी के माध्यम से हम भौतिक साधनों को छोड़ना नहीं है। हम सभी भी मोबाइल यूज़ कर रहे हैं, उसको छोड़ना नहीं है। कोई भी साधन हमारे संसार में आता है, लेकिन उसको यूज़ करने की विधि और उससे अलिप्त भी रहना और यूज़ भी करना और अपनी प्रोग्रेस भी करना, ये सारी बातें हमें अपने लाइफ के अंदर रखना भी चाहिए। अभी हमारे सामने हमारे भ्राता बीके सीताराम भाई है, जो आपने राजस्थान में एक किसान परिवार में जन्म लेते, एक साधारण ग्रेजुएशन करके आपने एक बैंक के अंदर जॉब स्वीकार की और जॉब के बाद आईएएस करने के बाद आप 6 जिलों के अंदर आप मैजिस्ट्रेट, जिला मैजिस्ट्रेट और कलेक्टर के रूप में भी आपने सेवाएं दी और उसके बाद 3 मंडलों में मंडलायुक्त के रूप में भी आपने अपनी बहुमूल्य सेवाएं दी और 6 विभागों में प्रदेश स्तरीय विभागाध्यक्ष के रूप में भी आपने सेवाएं दी। तो सारा जीवन आपने मतलब गवर्नमेंट जॉब के अंदर ही टॉप लेवल की आपकी नौकरी के अंदर रहते हुए आप ब्रह्मा कुमारी इसके साथ भी अंत में जुड़ गए और कैसे अपने जीवन के अंदर प्रोग्रेस करते रहे, तो मैं आपसे यह अनुरोध करना चाहूँगा, एक प्रश्न पूछना चाहूँगा कि सतत उन्नति करने के लिए किसी भी सिस्टम में हमें कौन सा परिवर्तन लाना चाहिए, अपने जीवन में और सिस्टम में मूल परिवर्तन, आमूल परिवर्तन हमें कौन सा लाना चाहिए? ओम शांति। ओम शांति। सबसे पहले तो आज के इस सत्र की अध्यक्षता कर रही परमादरणीय अवधेश दीदी जी और सभी सम्मानित पैनलिस्ट, संचालक महोदय और आप सबकी अनुमति और सम्मति से एक चीज़ मैं कहना चाहूँगा कि एक तो जो इस कॉन्फ्रेंस के आयोजन के लिए जो टॉपिक रखा है और ख़ास तौर से पैनल डिस्कशन के लिए जो टॉपिक रखा है, वो जिसने भी चुना है उसको मेरे ख्याल में हम सबको अपनी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद और आभार व्यक्त करना चाहिए, क्योंकि बहुत ही समकालिक भी है तो समीचीन भी ये टॉपिक रखा है। और
वो है भी ये कि पैराडाइम शिफ्ट फॉर सस्टेनेबल प्रोग्रेस, यानी हमारे अंदर में क्या ऐसा हम परिवर्तन लाएं, आधारभूत परिवर्तन, जिससे प्रगति उन्नति सतत निरंतर बिना रुके हुए होती रहे और हम आगे से आगे बढ़ते रहें। और आगे से आगे बढ़ना वैसे तो आजकल मेटीरियल दृष्टिकोण से, भौतिक दृष्टिकोण से भी काफ़ी कुछ हो रहा है, लेकिन उसमें कुछ इनहेरेंट वीकनेसेस, शॉर्टकमिंग्स, बॉटलनेक्स और प्रॉब्लम्स हैं, जिसके कारण हमें इस तरह की थिंकिंग की तरफ भी मुड़ना पड़ रहा है। और वैसे देखा जाए तो यहाँ पर जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं, मुझे उनका भी, जैसा आदरणीय दीदी कह रही थी, मुझे उनका भी विशेष तौर से स्वागत, अभिनंदन और सराहना करनी है, क्योंकि आप सब पहली बात तो चुने हुए प्रतिनिधि, चुने हुए प्रतिनिधि कहाँ से, समाज से भी आपका सिलेक्शन जिस भी सर्विस, जिस भी सेवा के लिए जहाँ कहीं पर भी हुआ है वो भी एक विशेष रूप से हुआ। दूसरी बात, जिस पद ओहदे या जहाँ कहीं पर भी, जिस ऑर्गेनाइजेशन में, जहाँ कहीं पर भी आप काम कर रहे हैं, वो बहुत महत्वपूर्ण और जिम्मेवारी वाला काम है जिसको आप सब लोग अंजाम दे रहे हैं। और फिर इतने सारे लाखों अधिकारी, कर्मचारी, मैनेजर्स, एग्जीक्यूटिव्स हैं, उनमें से भी आपको गिन चुन करके परमात्मा के आदेश निर्देश के अनुसार यहाँ पर लाया गया है, परमात्मा के घर में, इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय में। तो ये और उससे भी हायर सिलेक्शन हो गया, तो अपने आप को भी खुद बधाई दें कि वाह मेरा भाग्य, वाह। और जब जो प्रश्न पूछा है, मैं उसके बारे में यही कहना चाहूँगा कि अगर हम अपने को शरीर समझते हैं तो शरीर समझने में एक चीज़ होती है, अगर हम अपने को आत्मा समझते हैं तो बात थोड़ी दूसरी हो जाती है। और आत्मा समझने से जब देखें तो आत्मा का जो इतिहास है, जैसा आदरणीय दीदी जी उसका कुछ थोड़ा सा संकेत दे रही थी और अब से पूर्व के कई सेशंस में थोड़ा मालूम भी आपको हुआ है, आत्मा में चेंज करने का एक इनहेरेंट क्वालिटी है। वो ओरिजिनलिटी अगर उसकी देखें तो वो सतो प्रधान यानी हाईएस्ट क्वालिटी के लेवल की है, जिसको हम गोल्डन क्वालिटी भी कह सकते हैं। उस गोल्डन क्वालिटी से जैसे जैसे पार्ट बजाते बजाते, पुनर्जन्म लेते लेते आगे बढ़े हैं, आत्मा में परिवर्तन होते आए हैं। और आज आत्मा में परिवर्तन उस तरह से हो गया है जिस तरह से कि हम मोबाइल को यूज़ करते हैं तो उसकी बैटरी यूज़ होते होते जैसे डिस्चार्ज लेवल पर पहुंच जाती है, तो वो ही स्थिति लगभग आत्मा की अब इस समय पर हो चुकी है, पहुंच चुकी है। इसलिए अब हमें आमूलचूल बदलाव की आवश्यकता है, एक आदर्श चेंज की आवश्यकता है, चेंज ही नहीं लेकिन एक आदर्श बदलाव की आवश्यकता है, जिसमें हाईएस्ट स्टैंडर्ड्स हों, ऐसे प्रतिमान की, ऐसे मानकों की आवश्यकता है। और वो मानक बिना अध्यात्म के अपनाए, बिना हमें अपने को आत्मा समझे, वो मालूम ही नहीं चल सकते, क्योंकि जब हम आध्यात्मिक रीति से अपने को आत्मा समझते हैं तो आत्मा के ओरिजिनल ट्रेट्स, ओरिजिनल गुणों की तरफ हमारा ध्यान स्वतः जाता है। अन्यथा तो खोजने पर भी, बहुत कुछ मेहनत करने पर भी, बहुत कुछ प्रयास करने पर भी उसकी तरफ हम नहीं पहुंच पा रहे थे, उसे हम नहीं समझ पा रहे थे। तो उसको, बदलाव को जब हम लाते हैं तो उसके लिए सबसे पहले मुझे क्या करना है, यानी मैं औरों की तरफ देखूं उसके बजाय सबसे पहले आवश्यकता है कि मैं अपने से बदलाव शुरुआत करूं। जब तक मैं खुद से बदलाव नहीं करूंगा तब तक अन्यों में बदलाव नहीं आ सकता। जैसे मैं एक
छोटा सा उदाहरण देना चाहूँगा जो मैंने व्यावहारिक रूप से इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय से जोड़ने और इस राजयोग की पढ़ाई के बाद में शुरू किया। हेड ऑफ़ द डिपार्टमेंट के तौर पर हम जगह जगह पर जैसे मीटिंग्स वगैरह करते हैं, हम भी करते थे। सरकार के अपने टारगेट्स होते हैं, उनको अचीव करने के लिए अधिकारियों पर और सभी पर बहुत प्रेशर होता है। तो आप समझ सकते हैं कि अधिकारीगण जब मीटिंग में जाते हैं तो कितने प्रेशर में होते हैं, तनाव में भी होते हैं, भय और चिंता भी होती है कि, और ख़ास तौर से जिनका जो है कुछ टारगेट से पीछे कुछ ज़्यादा ही हैं, उनको तो बिल्कुल ही हालत बहुत ख़राब होती है। तो क्या ऐसे अधिकारी या कर्मचारी जो भयभीत हैं, डर में हैं, तनाव में हैं, उनको हम और ज़्यादा प्रताड़ित करें, लताड़ें, तो क्या वो अपना बेस्ट दे सकते हैं? शायद, शायद देते भी हैं, लेकिन शायद पूरा तो संपूर्ण तो नहीं। तो हमने एक शुरुआत की थी कि हम बैठक के शुरुआत में ही 3 मिनट साइलेंस के साथ में शुरुआत करते थे। शुरुआत में तो हमारे जो अधिकारी आते थे और हमारे जो हेड ऑफिस के भी जो अधिकारी होते थे, उनको थोड़ा सा हंसी मुस्कुराहट और वो व्यंग जैसी चीज़ लगी थी कि ये भी कोई चीज़ है, इससे भी कोई फर्क पड़ेगा। लेकिन मैंने देखा कि 2-3 बैठकों के बाद हमारे फील्ड के अधिकारी वो थोड़ा खुल कर के अपनी बात बताने लगे, कारणों को बताने लगे, समस्याओं को गिनाने लगे और उसका समाधान भी बताने लगे कि इसका निराकरण कैसे क्या हो सकता है। और उससे यानी उनके अंदर एक तो ये भाव आया कि ये अधिकारी सिर्फ हमें डांटने, फटकारने, दुत्कारने और हमारी कमियां गिनाने और उन कमियों को लेकर के कुछ और उस तरह का करने के लिए नहीं है। यानी उनके अंदर ये भाव भी जागा, विश्वास भी जागा कि हाँ, हमारी समस्याओं को भी सुनेंगे और उसके अनुसार हमको अच्छा मार्गदर्शन भी देंगे जिससे हम अच्छा कर सकें। और उसके परिणाम वाकई में बहुत सकारात्मक हुए। तो ये भी सिस्टम में एक बदलाव लाने का जरिया बन सकता है, क्योंकि अगर हमारे साथी अधिकारियों में जो हम वरिष्ठ पद पर हैं, सीनियर पोजीशंस में हैं, उनके लिए प्रतिभाव विश्वास का बन जाए और ये भी हो जाए कि हाँ, ये हमारे वर्क को देखेंगे ना कि हमारी शक्ल को देखेंगे, ना कि हमारे और किसी दूसरी चीज़ को देखेंगे, मात्र वर्क के आधार पर ही ये हमारे बारे में कोई निर्णय लेंगे और कोई आगे की कार्रवाई करेंगे, तो निश्चित रूप से बहुत कुछ उनके एटीट्यूड में और फिर उनकी एफिशिएंसी में बदलाव आ जाता है। शायद आप लोग भी इस बात से सहमत हो। ओम शांति। ओम शांति। आज का ये जो टॉपिक है, पैराडाइम शिफ्ट फॉर सस्टेनेबल प्रोग्रेस, आप सभी के मन के अंदर भी अगर कोई प्रश्न आ रहा हो तो यहाँ हमारे दो भाई भी खड़े हैं। मैं आप अगर अपना हाथ ऊंचा करेंगे तो आपको एक चिट्ठी भी मिल सकती है, उसके अंदर आप प्रश्न लिख करके यहाँ मंच पर आप दे सकते हैं। तो जो भी हाथ खड़ा करेंगे, भाई आपको चिट्ठी कापली दे सकते हैं। अभी मैं हमारी बहन जो कर्नाटक से आई है, वीणा बहन जी, मैं आपसे प्रश्न पूछना चाहूँगा कि आज के इस टॉपिक के आधार पर हमें जो प्रोग्रेस करना है, इसके अंदर स्पिरिचुअलिटी या मेडिटेशन का क्या रोल है? ओम शांति। बहुत सुंदर सब्जेक्ट रखा है। जीवन का दूसरा नाम ही प्रोग्रेस है। हर मनुष्य हर घड़ी प्रोग्रेस को पाता रहता है।
या यूं कहे कि चेंज तो नेचुरल है, चेंज होता रहता है, लेकिन यहाँ पर इम्पोर्टेंट है हम अपने मन से क्या चेंज करें जो सस्टेनेबल प्रोग्रेस हो, कि वो प्रोग्रेस से हमें सेटिस्फैक्शन मिले। तो भाई साहब कह रहे थे, अभी हमने सुना भी, हम देख रहे हैं डे टू डे लाइफ में बहुत सारा चेंजेस हो रहा है। मैं एक छोटे से एग्जाम्पल के साथ क्लियर करना चाहूँगी। बचपन में हम लोग गर्मियों में खेतों में खेलने जाते थे, शाम के समय बहुत सारे मोर आते थे वहाँ पर, मोर का नृत्य देखना बहुत खुशी मिलती थी हमें। जब मोर नृत्य करते थे हम झाड़ियों में छिप जाते थे, लेकिन एक दिन क्या हुआ, नृत्य करते करते जैसे शाम ढलने लगी तो मोर सब अपने अपने घर लौटे, लेकिन एक मोरनी वहाँ थोड़ी सी देर तक रुक गई और उसने दो अंडे रखा वहाँ पर, लेकिन दुर्दृष्टवशात बदकिस्मती से किसी ने उसको मार डाला, उसी समय गोली से उड़ा दिया। तो हम बच्चे थे, बच्चों का झुंड था, हमने वहाँ से दो अंडे, जो मतलब हमने सोचा कि माँ तो चली गई, इस अंडे को कौन देखेगा, तो हम वो अंडे उठा के आए, उठा के ला के हमारे काम वाले के घर में मुर्गियों के अंडे के बीच में रख दिया, ताकि वो ऑटोमेटिकली जैसे मुर्गियों के अंडे बचे हो जाते हैं वैसे ये चेंज हो जाए। तो हमने दो अंडे को दो ग्रुप में लिया था, एक मैंने लिया था, एक हमारे दूसरे चाचा के बेटे ने। लेकिन क्या हुआ, कुछ चार पाँच दिन के बाद जिस अंडा हमारा था, हम रोज देखते थे उसको, बहुत खुशी से निहारते थे कि कल बच्चा आ जाएगा, कल बच्चा आएगा, मोरनी आएगी या मोर आएगा, ऐसा सोच चलता था। लेकिन हमारे चाचा के बेटे ने क्या किया, रोज जाता था उस अंडे को उठा के देखता था, फिर आता था, देखता था कहीं अंदर से बच्चा तो नहीं आ रहा है। तो चार पाँच दिन के बाद उसका अंडा तो सड़ गया और हमारे अंडे से बहुत सुंदर एक मोर निकल के आया, छोटा सा अंडा, छोटा सा मोर का बच्चा। एक बहुत सुंदर इंस्पिरेशनल इंसिडेंट है हमारी लाइफ की, और आपको भी लग रहा होगा कि व्हाट वाज द डिफरेंस, क्या हुआ यहाँ पर। देखिए, एक तो विश्वास की बात है, अंडे से बच्चा निकलेगा और उसको निकलने का समय देना चाहिए, वी नीड द टाइम टू द सस्टेनेबल प्रोग्रेस। एक ही दिन में नहीं होगा, थोड़ा सा धीरज रखना पड़ेगा, है ना। आज ही हम जो बनना चाहते नहीं बनेंगे, हमारे दादा परदादाओं ने झाड़ लगाया जो हमें छाया दे रही है और बारिश दे रही है। अगर दादा परदादा सोचते कि आज पेड़ लगाया कल ही छाया मिल जाए और उसका फल भी मिल जाए, इट वॉज नॉट पॉसिबल एट ऑल। सो हमें भी सस्टेनेबल प्रोग्रेस के लिए भौतिक परिवर्तन तो जल्दी हो जाता है, है ना। आजकल बहुत सारे सिस्टम्स हैं, आप एक महीने के अंदर भी घर खड़ा कर सकते हैं। लेकिन ये जो सस्टेनेबल प्रोग्रेस की बात यहाँ पर हो रही है, पैराडाइम शिफ्ट की बात हो रही है, तो इसके लिए स्पिरिचुअल, जो सस्टेनेबल प्रोग्रेस के लिए हम स्पिरिचुअल पैराडाइम शिफ्ट की बात करते हैं, तो इंटरनल होना है, इसके लिए टाइम चाहिए। और जो अवधेश दीदी वैल्यूज़ की बातें कर रही थी, इसके पहले के सेशन में भी हमने सुना वैल्यूज़ की बहुत सारी बातें, लेकिन फिर भी एक क्वेश्चन रह जाता है कि हाउ टू अडॉप्ट दिस वैल्यूज़ तो हम जानते हैं, लेकिन हाउ टू अडॉप्ट इस, हमारे लाइफ में इसको लाया कैसे जाए, इसके लिए हमें स्पिरिचुअलिटी की बहुत ज़रूरत है। और धीरे धीरे अगर हम विश्वास रखें, जैसे मीना भाई साहब कह रहे थे कि हम एक स्कूल में, एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो गया था जहाँ मैं रहती हूँ, एक गवर्नमेंट स्कूल में, वहाँ पर फर्स्ट स्टैंडर्ड की बच्ची ने एक सेकेंड स्टैंडर्ड की बॉय के साथ लव करके बैठी थी। आप वो इसको इमेज भी नहीं कर सकते, फर्स्ट स्टैंडर्ड की लड़की, 6 साल की बच्ची। तो इसलिए उस स्कूल के सिस्टम के साथ हमें जुड़ना पड़ा और ब्रह्मा कुमारी उससे जुड़े हम लोग। ये 6 साल की हमारे एक्सपीरियंस में बता रही हूँ। धीरे धीरे वहाँ पर हमने एक इंट्रोड्यूस किया कि बच्चों के इंटरनल चेंजेस होना ज़रूरी है, क्योंकि माँ बाप से, टीवी से, मोबाइल से और सोसाइटी से बच्चे नेगेटिवली इंस्पायर हो रहे हैं। उसको रोकने के लिए बच्चों के अंदर पॉजिटिविटी का सर्कुलेशन होना बहुत ज़रूरी है। इसको सोचते हमने एक दीप ध्यान इंट्रोड्यूस किया। गवर्नमेंट स्कूल था तो दीप ध्यान, दिया जला कर रखना और साथ सभी बैठ के आँख खोल के दिए को देखना, जिसको प्राणायाम तरीके से ज्योति त्राटक कहते हैं। इसको प्रैक्टिस कराया, धीरे धीरे ओमकार का उच्चारण कराना,
धीरे धीरे उस दिए में वैल्यूज को देखना, खुद जलता है दूसरों को रोशनी देता है, ऐसे वैल्यूज को देखना, इसको धीरे धीरे बच्चों को कहते गए और हमारे अंदर एक रोशनी की महसूसता करना। ये जड़ शक्ति में चेतना आती है तो अंदर एक चेतना है कि बच्चों की भाषा में समझाना। आप नहीं मानेंगे लेकिन ये इट इज़ अ फैक्ट, इस साल उसी स्कूल को स्टेट लेवल 3 रैंक्स मिले। तो ये है जो स्पिरिचुअलिटी हमारी आज की लाइफ में धीरे धीरे, इसको हम जैसे हम बच्चों को धीरे धीरे मिनरल्स देते हैं, कैल्शियम्स देते हैं, प्रोटीन्स देते हैं, एक ही दिन में तो नहीं दे पाते, थोड़ा थोड़ा ऐड करते हैं फूड में, इसी तरह स्पिरिचुअलिटी को भी बच्चों की सोच के अंदर धीरे धीरे और टोटल सोसाइटी, नॉट ओनली चिल्ड्रेन, टोटल सोसाइटी में, आप गवर्नेंस में हो या आप हाउसवाइफ हो, वो डिफरेंस नहीं होता है उसमें, लेकिन हर किसी के अंदर स्पिरिचुअलिटी को हम लाए, उनकी सोच में, उनकी बोल में, उनकी चलन में, इससे क्या होगा, सतत उन्नति या जिसको हम कह रहे हैं सस्टेनेबल प्रोग्रेस, ये होता है। क्योंकि प्रोग्रेस तो हो रहा है, हम देख रहे हैं ना कि कोई आज हमारे प्रधानमंत्री तो कह रहे हैं हम कच्चे घर में किसी को रहने नहीं देंगे, है ना, 1-2 साल के अंदर सभी को पक्के घर मिल जाएंगे। ऐसे जो स्थूल प्रोग्रेस तो हम देख ही रहे हैं, हो ही रहा है, लेकिन क्या इक्वलेंट टू दैट इंटरनल प्रोग्रेस इज गोइंग ऑन? नहीं ना। जब हम दौड़ मतलब चलती ट्रेन से उतरते हैं तो हमें भी दौड़ना पड़ता है, नहीं तो हम गिर जाते हैं, सभी को पता है ना। ऐसे प्रोग्रेस हो रहा है भौतिक, अगर उसके साथ हमें चलना है तो इंटरनल प्रोग्रेस जरूरी है। तो इंटरनल स्टेबल प्रोग्रेस के लिए स्पिरिचुअलिटी को हमारा डे टू डे लाइफ में लाना, सोच में लाना। आजकल स्पिरिचुअलिटी के नाम पे हम माला जपते हैं, पूजा करते हैं, मंत्रोच्चारण करते हैं, लेकिन क्या सोच में लाए हैं? या थोड़े टाइम के लिए 15 मिनट्स हमने पूजा पाठ कर लिया, ये बहुत जरूरी है। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद कि अपने लाइफ के अंदर हमें स्पिरिचुअलिटी को भी लाना बहुत बहुत ज़रूरी है। हम सिर्फ और सिर्फ बाहर के प्रोग्रेस के ऊपर ही ध्यान देते हैं, इंटरनल प्रोग्रेस के ऊपर हमारा अटेंशन बहुत कम है। अभी अभी हम किसी से बात भी कर रहे थे तो बताया कि एक IAS ऑफिसर कलेक्टर के लेवल के सारी जीवन भर इतना व्यस्त रहा, अपनी लाइफ और अपने परिवार के ऊपर कुछ भी उसका ध्यान नहीं रहा, और जब रिटायर्ड हुआ, क्योंकि पहले पोस्ट पर होते थे, पोस्ट पर होते हैं तो इतना सम्मान, उसको पुलिस प्रोटेक्शन, इतना सम्मान सारा मिलता, अभी रिटायर्ड हो गया तो कोई भाव ही नहीं पूछते हैं, और परिवार के अंदर सारे परिवार के सदस्य अपने अपने काम में बिजी है, अकेलापन महसूस होने लगा और फिर सुसाइड कर लिया। तो ऐसी लाइफ हमारे जीवन के अंदर हो जाता है, इसलिए स्पिरिचुअलिटी को ही साथ साथ हमें अपने अंदर लानी चाहिए। अभी मैं अपने शिरीष भाई सप्रे जी को मैं एक प्रश्न पूछना चाहूँगा। आप लेबर वेलफेयर ऑफिसर के रूप में अहमदाबाद में आपने अपनी बहुमूल्य सेवाएं दी, लेबर ऑफिसर गुजरात स्टेट ट्रांसपोर्ट के अंदर बड़ौदा डिवीज़न में सेवाएं दी, असिस्टेंट लेबर कमिश्नर के रूप में भी आपने सेवाएं दी, और पर्सनल ऑफिसर के रूप में GEB गुजरात इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में भी आपने सेवाएँ दी, और साउथ गुजरात में वलसाड में अतुल प्रोडक्ट्स कंपनी है उसके अंदर भी आपने सेवाएं दी। तो आपसे मैं एक प्रश्न पूछना चाहूँगा कि क्या आपका कोई ऐसा अनुभव है जिससे आपने अपने जीवन या एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम में आपने सतत उन्नति पाई? मंचस्थ महानुभाव और मेरे प्यारे भाई बहनों, बहुत
इंटेलिजेंट क्वेश्चन पूछा है मेरे को. मैंने 4-5 ऑर्गेनाइजेशन में काम किया ये 38 ईयर्स ऑफ सर्विस में. इसमें मैंने देखा है कि बहुत चैलेंजिंग सिचुएशन आई. एक 2-3 मैं बताता हूँ आपको कि कैसे स्पिरिचुअलिटी से हिसाब से जो स्ट्रेंथ मिला मेरे को एंड आई गॉट द सक्सेस इन ऑल सच सेंसिटिव एंड क्रिटिकल सिचुएशन. पहला है, मैं जब अतुल प्रोडक्ट्स में था कॉर्पोरेट पर्सनल मैनेजर, जब मैंने पोजीशन ज्वाइन की आफ्टर लिविंग द गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, ऐसा कोई करता नहीं है लेकिन मैंने छोड़ा गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, द असिस्टेंट कमिश्नर पोस्ट से मैं रिजाइन किया. आई ज्वाइंड एज ए कॉर्पोरेट पर्सनल मैनेजर इन अतुल प्रोडक्ट्स. मेरे को मालूम नहीं था कि यहाँ इतना लेबर ट्रबल है, लेकिन जब ज्वाइन होने के बाद आफ्टर 1 मंथ और 2 मंथ्स ये सब मर्मरिंग वॉज गोइंग ऑन, नया साहब आया है क्या नहीं. उस साल मेरी उम्र थी 29 ईयर्स, नॉट मोर देन दैट. सो इट वॉज ए सरप्राइजिंग थिंग फॉर द यूनियंस ऑल्सो, ये कैसे संभालेंगे. एंड एज यू नो दैट दे ऑलवेज ट्राइंग, क्या बोलते हैं, जो टग ऑफ वॉर चलता है बिटवीन मैनेजमेंट एंड यूनियन, वो चल रहा था. अबाउट 30 पीपल वेर डिसमिस व्हेन आई ज्वाइन. 11 मर्डर टुक प्लेस ऑन द साइट, 1 मर्डर टुक प्लेस ड्यूरिंग माई टेन्योर. सच ए हॉट बेड. ये सिचुएशन में कैसे कंपनी को बाहर लाने का, बिकॉज अतुल प्रोडक्ट्स वॉज इनॉग्रेटेड बाई जवाहरलाल नेहरू. फॉर 50 ईयर्स देर वॉज नो ट्रबल ऑन द साइट. लेकिन जो बोलते हैं कि इंट्यूशन, ये हाउ टू हैंडल दिस पर्टिकुलर सिचुएशन, बिकॉज इन सच सिचुएशन नो बडी इज कमिंग फॉरवर्ड, यू हैव टू फाइट यूर सेल्फ. सो ए स्ट्रेटेजिक प्लानिंग जो बोलते हैं कि हाउ टू फेस दिस सिचुएशन, वो जो डायरेक्शन मेरे को मिला, सी एवरी डे आई वॉज स्पेंडिंग 1/2 आवर, दैट इज 0 आवर, थिंक अबाउट कि हाउ बेस्ट वी कैन सी हैंडल दिस सिचुएशन. उसमें से ये मेरे को एक डायरेक्शन ऐसा मिला कि वहाँ दिस पीपल आर डूइंग ऑल दिस नॉनसेंस. सो एनालिस करते करते मेरे को मालूम हुआ कि उनका जो परसेप्शन है ना, दैट इज़ रॉन्ग. मैनेजमेंट का परसेप्शन अलग है, एम्प्लॉयज का अलग है, मैच होता नहीं है, कॉन्फ्लिक्टिंग सिचुएशन खड़ी होती है. अभी कैसे सुधारे उसको, तो पहले काउंसिलिंग किया मैंने कि पहले कोई डिसीजन लेने का नहीं, ऑलरेडी 30 पीपल डिसमिस फ्रॉम द ऑर्गेनाइजेशन और उसका ही हल्ला गुल्ला चल रहा था. मैंने सोचा थोड़ा काउंसिलिंग करे, लेकिन प्रॉब्लम ऐसा है कि काउंसिलिंग में दे कंसिडर्ड एज ए वीकनेस कि साहब घबराते हैं इसलिए हमारे साथ बातचीत करते और समझाने का प्रयत्न करते हैं, क्योंकि हमको समझने का नहीं है. चलते चलते फिर ऐसा लगा कि अभी इसको कुछ कड़क दवा देनी पड़ेगी मेरे को. वो डायरेक्शन भी मैं रोज़ सवेरे बैठता था मेडिटेशन में 1/2 घंटा 1/4 घंटा, उसमें से डायरेक्शन मिला कि भाई एक हार्श एक्शन लेना पड़ेगा टू चेंज देयर माइंडसेट, क्योंकि लोग ऐसे समझ रहे थे कि अतुल जैसी कंपनी कभी बंद नहीं हो सकती थी. उस टाइम वो 1000 करोड़ की 800 करोड़ की कंपनी थी. सो मैंने सोचा कि अभी लॉकआउट करो, बिकॉज ये बड़ा इंजेक्शन देना पड़ेगा मेरे को. एंड आई डिक्लेयर्ड ए लॉकआउट. एंड ड्यूरिंग दैट टेन्योर वो भोपाल ट्रेजेडी भी हुआ था. अतुल इज ऑल्सो इक्वली ऐसे केमिकल हेजार्ड कंपनी, हम फॉस्जिन बनाते थे, सो इट इज़ यूज इन केमिकल वेपन. मेरे को ये डर लगता था कि ये धमाल में कुछ वाइल्ड कैट स्ट्राइक हो जाए, रन डाउन कंडीशन में रिएक्शन जाएगी तो क्या होगा, भोपाल जैसा होगा तो पूरा वलसाड़ साफ हो जाएगा. लेकिन एक स्ट्रेंथ ऐसा दिया मेरे को अलमाइटी ने कि भाई यू टेक ए प्रॉपर डिसीजन सो दैट वंस फॉर ऑल दिस प्रॉब्लम विल सॉल्व, बिकॉज दिस इज हैपनिंग बिफोर माई ज्वाइनिंग. 5-7 साल पहले से यह ट्रेवल चालू होता. सो आई थॉट दैट लॉकआउट इज़ द बेस्ट सॉल्यूशन. लॉकआउट कर दिया एंड देन एक ऑन वन साइड द पोलिटिकल एक्टिविटीज ऑल्सो गोइंग ऑन कि उनको समझाने की लॉकआउट उठाओ, ये करो वो करो, लेकिन कुछ समझ नहीं पाए. अल्टीमेटली वॉट हैपन, आई वॉज नोइंग दैट द पीपल आर रिसाइडिंग इन द चाल, द चाल ओनर्स विल थ्रो देम आउट बिकॉज दे आर नॉट गेटिंग एनी सैलरी. धीरे धीरे करके
दे हैव गिवन मी अंडरटेकिंग कि साहब हमें ऐसा भी धमाल नहीं करेंगे, कुछ मर्डर, कोई वायलेंस एक्टिविटी नहीं करेंगे एंड एवरीथिंग विल गो स्मूथली. सो इन अ क्रिटिकल सिचुएशन मैनेजमेंट को भी ऐसा लगा था मैं भाग जाऊँगा, क्योंकि नोबडी इज गोइंग टू फेस सच सिचुएशन. लेकिन द स्ट्रेंथ विच आई गॉट इज फ्रॉम द मेडिटेशन और राइट डायरेक्शन. दूसरा एक मैं प्रसंग बताता हूँ आपको. 2002 में अर्थवेक आया था भुज में, आपको शायद मालूम होगा, एंड टोटल डिजास्टर. मैं जब गया दो दिन बाद, मेरे चेयरमैन भी मेरे साथ थे. लाइट जो दिखती थी मेरे को वो खाली चीता की लाइट दिखती थी, कोई लाइट नहीं थी. सच्चे क्या बोलते हैं, हॉरर, हॉरिबल सिचुएशन. अभी इसमें इलेक्ट्रिसिटी, आई वॉज वर्किंग इन इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड. सो फर्स्ट एंड प्राइमरी इम्पॉर्टेंस इज टू हाउ टू गिव पावर टू द पीपल, खास करके जो फ्लोर मिल होते हैं, खाएंगे कैसे लोग. तो एक चैलेंज था हमारे सामने कि ये डिजास्टर सिचुएशन में पावर कैसे इस्टाब्लिश करें. हमारी चेयरमैन, हमारी टीम जुड़ गई थी. हमने ऐसे सोचा कि भाई इतना बड़ा काम है तो लोकल पीपल से नहीं होगा. सो ए वन मैसेज वॉज पास कि भाई ये नेचुरल डिजास्टर है, राष्ट्रीय आपत्ति है. ऑल वी हैव मेड अपील टू द एम्प्लॉइज कि भाई आप अपने खर्चे से अपना राशन लेके, विदाउट आस्किंग फॉर एनी ओवर टाइम, यू कम एंड वर्क इन दी इस अफेक्टेड एरिया. आपको ताजुब होगा कि पीपल वेर सो एंथुसियास्टिक कैसा हमारा नंबर कब लगेगा. दे वेर नॉट सी थिंकिंग अबाउट दी वॉट सेट ऑफ सिचुएशन विद देर, आफ्टर शॉक भी आ रहे थे वो. लेकिन दी जो इंटरनल स्ट्रेंथ जो बोलते हैं हमारे एम्प्लॉयज की, वो मेरे को देखने मिली कभी. और एक पिक्युलर कैरेक्टर ऐसा था हमारा जीवी एम्प्लॉयज का कि नॉर्मल सिचुएशन में दे आर नॉट शोइंग एनी एफिशिएंसी, बट इन केस ऑफ नेचुरल कैलेमिटी दे आर एफिशिएंसी एट द हाइएस्ट लेवल. ये कैसे होता है? इट इज़ बिकॉज ऑफ द पावर गिवन बाय द अलमाइटी एट ए क्रिटिकल सिचुएशन. कभी सोच नहीं सकते थे कि ऐसा हो सकता है, लेकिन विद इन 3 डेज सुरेश प्रभु वॉज ए पावर मिनिस्टर एट दैट टाइम. उसको हमारे चेयरमैन ने बोला कि साहब आप जब फ्लाई करेंगे तब आपको लाइट दिखाई देंगी. एंड इट वॉज पॉसिबल बिकॉज ए टीम वर्क. टीम वर्क ऐसा था हमारा कि राइट फ्रॉम हेल्पर टू चीफ इंजीनियर वेयर वर्किंग ऑन द साइट. जो डिजास्टर हुआ था उसमें जो पैनल्स आते हैं, पावर पैनल्स, वो हमने बचा के 30-40 लाख का सामान हमने बचाया उसके अंदर. और अपना जनरेटर लगा के धीरे 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 पावर एस्टैब्लिश किया एंड विद इन 3 डेज वी कुड मैनेज टू सप्लाई द पावर. वहाँ शाम को कॉन्फ्रेंस होती थी, सब इंटरनेशनल जर्नल्स भी आते थे वहाँ कि हाउ यू आर इट इज़ पॉसिबल टू रिस्टोर पावर विद इन 3 डेज. ये हमारे कंट्री में होता तो लोग इतने डर जाते हैं कि कभी कोई काम करने भी नहीं आता हमारे यहाँ. लेकिन आपके यहाँ यहाँ क्या है कि लोग आके इतने उत्साह से काम कर रहे हैं? ये कुछ नहीं है, ये अपने देश में हिंदुस्तान में जो जो एक वाइब्रेशंस है. आप देखो कहीं भी हमारे आवर वर्कर्स आर बेस्ट इन द वर्ल्ड इन ऑल सिचुएशन दे आर वर्किंग एंड दिस इज बिकॉज द स्पिरिचुअल पावर इज देयर इन आवर कंट्री. कोई ये भगवान को मानता है, वो भगवान को मानता है, लेकिन अल्टीमेटली गॉड एक ही है. ये उसका परिणाम है कि इन ऑल इवेंचुअलिटीज पीपल आर वर्किंग विदाउट एनी से आस्किंग फॉर एनी इंसेंटिव. ओवर टाइम भी नहीं लिया मेरे हेल्पर ने कि साहब ये नेचुरल डिजास्टर है और हमको पावर देने का है, पब्लिक की सेवा करनी है, हम कुछ ओवर टाइम भी नहीं लेंगे, घर से ही रेशन लेके आएंगे. वहाँ तो कुछ होटल वोटल नहीं था. ये सब इंसिडेंट मेरे को ऐसा लगता है कि सम पावरफुल फोर्स इज बिहाइंड अस हु इज सपोर्टिंग टू टेक चैलेंज ऑफ सच सिचुएशन एंड कमिंग आउट सक्सेसफुली. तीसरा है हमारा अनबंडलिंग ऑफ जीईबी. जीईबी इज़ ए बिग ऑर्गेनाइजेशन लाइक ए डायनोसर. अभी इलेक्ट्रिसिटी एक्ट में अमेंडमेंट हुए, उसमें बोला कि भाई आप अनबंडल कर दो, कंपनी करो, स्मॉल इज ब्यूटीफुल, दैट वॉज द कॉन्सेप्ट. सो वी थॉट दैट 50,000 एम्प्लॉइज हमारे ऑर्गेनाइजेशन में, उनको 4-7 कंपनी में बांटना, इट विल क्रिएट ए लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स, लेबर प्रॉब्लम्स.
लेकिन प्लानिंग एंड टू अंडरस्टैंड द परसेप्शन ऑफ द एम्प्लॉइज. परसेप्शन के लिए चेंज करने के लिए लोगों को डर लगता था कि हमारे जॉब का क्या होगा, हमारी ग्रेजुएटी का क्या होगा, हमारे प्रोविडेंट फंड का क्या होगा, अलग अलग कंपनी बनेगी तो हमारा लोकल स्टैंडिंग क्या होगा उसके अंदर, डर रहे थे लोग. सो वी हैव स्टार्टेड ट्रेनिंग प्रोग्राम्स टू चेंज देयर परसेप्शन और फॉर एनी प्रॉब्लम. आई एम ऑफ होम ओपिनियन दैट यू शुड वर्क एट परसेप्शन लेवल रादर देन बिहेवियर लेवल. आपको मैं सिंपल एग्जाम्पल दूँ तो टी है, ट्री रूट्स है, स्टेम है और ग्रीनर पार्ट है. तो रूट जो है वो परसेप्शन है, स्टेम है वो एटीट्यूड है और ग्रीन पार्ट है वो बिहेवियर है. जनरली वी आर ट्रीटिंग द बिहेवियर. फॉर एग्जाम्पल इंडस्ट्रियल कॉन्टेक्स्ट में बोलो तो कुछ वर्कर मिसकॉन्डक्ट करता है, बोलता है यू आर कमिटेड दिस मिसकॉन्डक्ट, मीन्स यू आर एड्रेसिंग द बिहेवियर. अभी उसको मैं पनिशमेंट दूँ, सपोज एब्सेंटिज्म ज़्यादा है तो उसको मैं इंक्रीमेंट बंद कर दूँ, लेकिन उसका परसेप्शन बदलता नहीं है, अगेन ही विल कमिट सेम मिस्टेक. बट इफ़ आई गो टू परसेप्शन लेवल के भाई क्यों एब्सेंट रहता है, और देन इफ आई करेक्ट दैट हिज बिहेवियर विल बी ओके. लेकिन हम क्या करते हैं, बिहेवियर को ट्रीट करते हैं. पेस्टिसाइड पानी फर्टिलाइजर रूट में डालना चाहिए, उसके जगह हम क्या करते हैं ग्रीनर पार्ट को डालते हैं, इसलिए प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होते. इफ़ यू गो एट अ परसेप्शन लेवल एंड करेक्ट हिज परसेप्शन देन हिज बिहेवियर विल बी मॉडिफाइड पॉजिटिवली. एग्जाम्पल दूँ मैं आपको कि हमारे एम्प्लॉयज़ के बच्चे गुटखा खाते थे, तम्बाकू. उनको बोला कि भाई तम्बाकू छोड़ दो, नहीं बा उसके फादर को बोला कि भाई उसको पनिशमेंट करो, घर में खाना नहीं देंगे. बच्चा सुधरा नहीं, घर में नहीं खाता था, बाहर जाके खाता था. अभी उसका परसेप्शन कैसे चेंज करें, तो उसको कैंसर हॉस्पिटल लेके गए बच्चे को एक टीम बना के, और उनको बोला कि देखो ये जो पेशेंट पड़े हैं उसमें 90% गुटखा वाले हैं. इफ़ यू वॉन्ट टू मीट द सेम फेट यू कंटिन्यू गुटखा, अदरवाइज यू इम्प्रूव. विद इन ए फॉर 24 आवर्स दे चेंज देयर हैबिट. सो वर्क एट ए परसेप्शन लेवल इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट. एंड उसके समझने के लिए अपना वी शुड हैव फ्री माइंड, ओपन माइंड एंड टू डिस्कस विद दी पीपल. अपने एक जो ओरा बनती है जो मेडिटेशन में जो बहुत उसका असर होता है, मैंने देखा है. स्ट्राइक होती है तो एक लेबर ऑफिसर जाके इज ट्राइंग इज लेवल बेस्ड टू रिजॉल्व द डिस्प्यूट, एंड अनदर पर्सन इज गोइंग डिस्प्यूट सॉल्व होता है. दूसरे का पहला जो है उसका नहीं होता है, दूसरा क्यों हुआ, सिचुएशन वही है. लेकिन जो ओरा है द पर्सन हु इज हैविंग ए स्पिरिचुअल पावर, उसकी इफेक्ट रहती है, लोग सुनते उसको, उससे इम्प्रेस भी होते हैं. एंड दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. हम प्रोफेशनल है लेकिन मैंने बोला स्टार्टिंग में कि हाफ एन आवर शुड बी जीरो ओवर इन आवर डे टू डे लाइफ. हम बोलते हैं टाइम नहीं है अपने पास, लेकिन इफ़ यू एनालाइज यू आर 24 आवर्स, तो 4 सेगमेंट है उसमें, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी अर्जेंट एक सेगमेंट, सेकंड है वेरी अर्जेंट लेस इम्पॉर्टेंट, थर्ड है लेस अर्जेंट वेरी इम्पॉर्टेंट, चौथा है लेस अर्जेंट लेस इम्पॉर्टेंट. अभी हम जो फोर्थ क्वार्टर है लेस इम्पॉर्टेंट एंड लेस अर्जेंट, उसमें हमारा 24 आवर्स में से 50% टाइम वी आर स्पेंडिंग ऑन दैट. आप एनालिस करो 24 आवर्स का एक्टिविटी. तो फॉर एग्जाम्पल न्यूज़पेपर रीडिंग, टीवी वॉचिंग, गप्पे लगाना, एंड देर इज़ नो टाइम फॉर प्लानिंग दी लाइफ. जो अर्जेंट नहीं है लेकिन वेरी इंपॉर्टेंट है वो जो सेक्टर वो सेगमेंट है दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इज अ प्लानिंग. इफ़ यू फेल इन दैट सेगमेंट वेरी इंपॉर्टेंट बट लेस अर्जेंट, तो वो जो काम है सब फर्स्ट क्वार्टर में जाएंगे, वेरी अर्जेंट एंड वेरी इम्पॉर्टेंट में. फॉर एग्जाम्पल कि बच्चा पढ़ता नहीं है, आपको मालूम है कि इसका वीक है साइंस और मैथमेटिक्स, आपका गोल है कि उसको डॉक्टर इंजीनियर बनाने का, लेकिन आप ओ सॉरी बस ओके बस ओके ओके बस तो एक मैं शॉर्ट में बोल देता हूँ कि टाइम मैनेजमेंट है ना, इट क्रिएट्स अ लॉट ऑफ टेंशन
आपका टाइम मैनेजमेंट बराबर नहीं होगा तो टेंशन डेफिनेटली आएगा. सो हाउ टू रिड्यूस योर टेंशन इफ यू आर परफेक्ट इन टाइम मैनेजमेंट, आई थिंक यू विल गेट सक्सेस इन ऑल इश्यूज ऑफ द लाइफ. थैंक यू वेरी मच. थैंक यू. अभी मैं बहन सुनीता सरकार जी जो कि कटक से आई हैं और आप डिस्ट्रिक्ट अर्बन डेवलपमेंट एजेंसी में प्रोजेक्ट डायरेक्टर के रूप में अपनी सेवाएं दे रही हैं, मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहूँगा कि एडमिनिस्ट्रेटर की सक्सेस उसके लोगों की सक्सेस से जुड़ी होती है, तो सबको साथ में लेकर के चलने के लिए और सबको संतुष्ट करने के लिए हमें किन बातों का ध्यान रखना जरूरी है? A very good morning to you, distinguished panelists on the dais, ladies and gentlemen. We have a very good topic over here, that is paradigm shift for sustainable progress. Paradigm shift, it refers to a radical change in thinking which is triggered by not only outside forces but also by our own thoughts, by our own values. Life's events can certainly create paradigm shifts for us. We sometimes do not have control on our outside events and experiences that enter our lives. But I believe that we do have control on how we respond to it. To achieve sustainable progress, we especially as administrators should bring about a paradigm shift in our own thoughts and values so that we come out from our cocoons and be more proactive and people-centric in our approach. Now the question that has been put to me is how we work as a team. Now let me cite one example. When I was tahsildar of a newly created tahsil, I was the first incumbent, and just about 20 days of my incumbency we faced a huge flood. There were two breaches at unknown places, and instantly, I remember 20th September 2008, 10,000 people approximately, the numbers could be more than that, they were rendered homeless. I had 13 RI circles under me and there were only 10 RIs with me. Revenue inspectors. I had, since it was a newly created tahsil, I had only 3 staff and 1 peon. There was no vehicle, no telephone. I had to depend only on my mobile. And believe me, when a truck, 2 truckloads of polythenes were received from the Office of the Special Relief Commissioner, 8,828 specifically rolls of polythenes. There was no one in my office at 1:30 p.m. at night to unload the polythenes and keep them in the godown. I had to go to the people staying nearby, just requested them that can you please lend me a helping hand. And I was amazed the cooperation that I received from them, because what I felt is within these 20 days at least they have judged me that I had come here there
and I was holding that seat for their benefit. Through small works of mine, I was trying to help them out. So instantly, they came out and helped the two trucks to be unloaded. The process went on, and believe me, till today, there has not been a single instance of misappropriating anything, not even the polythenes, and people have got whatever that was their due. Again, another case, there was a simple mutation case where a particular person's name was to be cancelled and in the record of rights, and another person's name, the buyer's name, had to be written over there. That old man was harassed like anything before I assumed office. And after I assumed office, when I went, I used to go to the villages and hold camp courts. So when that person, that old man came to me, I said, "Uncle, that is Mousa in Odia." I said, "Your work is done." I just put my signature after I dictated the final order. I put my signature, and believe me, he started crying. He said, "Are you sure the work is over?" I said, "Yes." "Why?" Then he said that, "I have been running after this case for past 8 years and I have spent 8,400 rupees in the process." So these are very small things where you have to take, you have to build up confidence among your staff, among your people. I don't say that you can solve everybody's problems, but at least you can give them a patient hearing when they come to you. There you win half of the battle. At least they will go away with a feeling that koi to hai jo humko sunta hai. This happens in government offices. Therefore, you will always find people who will come to you and ask, "Kisi ko jante ho vagaira vagaira office mein?" So that their work becomes easier. The fault lies with us, because we have made the system like that. We have made ourselves unapproachable. People don't have direct access to us. They have to come through so many individuals before they come to us. So the first thing that I made, the first necessary change that I made when I went to office, or when I went not only to a particular office, but this has been my practice throughout my service career, and that is, I have made myself approachable. I have taken my people along with me. I have taken my staff along with me. And only when you have that much of credibility, I'm sure your performance will be outstanding, no matter how much pressure you face from your seniors, from the political field. After a certain while, they will understand your true value. At that particular time, when there were floods, I remember the local MLA had been pressurizing me like anything, that you, there was an amount fixed for ex gratia payments for people, those who had lost their lives in flood. And the local MLA had been
though there was only one such case as per procedure, but the local MLA had been insisting that no, I have 25 such cases, but you are saying only one such case, how can that be? With all humility, I answered that, sir, I will not sign on a single piece of paper, even if I lose my service. I will stick to that one single case. Ultimately, the matter went to the knowledge of the district collector, and he gave me a call. He asked me that, you know your MLA. He has been coming and telling me so many things, nasty things about you. So you do one thing, just give him a call and say that, sir, collector had given me a call and I am ready to do whatever you say. He also added that after you talk to him, you give me a call. I just gave a single call to the local MLA, and God perhaps was by my side. He did not answer. So I did not call anymore, and I continued with my work of distributing relief, of distributing the ex gratia payments, etc. Thereafter, there was a huge hue and cry at the collectorate. The collector again gave me a ring and said, "Tum mujhe marwaoge kya?" That is in Hindi. The Odia, the translated version. "Tum mujhe marwaoge kya? Arre, apna jo local MLA hai, you know how he is." So I just said, "Sir, he must be insisting on giving ex gratia payments to a number of people. But I have only one such case with me, which has been done as per procedure, and I will stick to it." Ultimately, the district collector also bowed down and could understand that what I was saying was correct. And believe me, after the entire exercise during the floods was over, when I was relieved from that station, it was that particular MLA who held a farewell meeting for me, a public meeting, where he recognized that the job has been done to perfection. Now for that, I don't thank, or I don't feel very proud about myself. I thank my parents who have inculcated that those values in me. Because from the very beginning, they have always, always, always told me that, think, whatever you are doing, it is for the people. It is not for you. So there are numerous such occasions. And yes, I forgot to mention another thing. The old man whose mutation case I had done, the day I was relieved, he came with a raw egg. He came up to me, handed me over that egg and told me, "Ma, mo pakhare au kichhi nahi deba pai." That means, you are like my mother, I address you as ma, and I have this egg only to give it to you for the services that you have rendered to me. I have nothing else with me. T.
tears came down my eyes. I held his hand, thanked him, and asked him, "Mosa, give me your blessings. That is enough for me." So the thing is, not only you have your own values, but the people around you, you must inculcate those values in them. And how do you go about it? When you yourself believe in them, and by your actions, you show that you believe in those values. That credibility should be there. That amount of credibility should be there. Whoever comes to you, they should have in their mind, nahin, agar main inke paas jaungi, toh barabar mujhe, I will get justice. That should be there in their mind. So these are all very small instances where you can, you know, big things, doing extraordinary things, everybody becomes great. But the true value of a person, you can know the true value of a person when you observe the very, very minor things that he or she does in his daily life. Very small things. Paper gira ho niche, usko utha ke waste paper basket mein rakhna. People imitate you. I tell you, they imitate you. They will see you doing things, and after a period of time, you will see, nay, nay, she is doing that, so I will also do this. So that is the way you take your people along with you and create that ambience in your office or wherever you go. I have a small story here with the permission of the chair. Okay, thank you so much. आपने अपने जीवन के अनुभवों से बताया कि स्पिरिचुअल वैल्यूज को अपने लाइफ के अंदर इनकलकेट करने के बाद उस पर फर्म रहने से कैसे अपने जीवन में सफलता को प्राप्त किया. अभी मैं भ्राता सीताराम भाई मीना जी से प्रश्न पूछूंगा. एक प्रश्न मेरे पास आया है रविंद्रनाथ हैदराबाद से. हाउ टू एनकरेज माय सबॉर्डिनेट हु इज वेरी रिलक्टेंट टू लिसन, मेरी बात सुनते ही नहीं है. ही ऑलवेज कंपेयर्स हिज सैलरी विथ माय सैलरी. If they do not listen, in spite of telling him two, three times, then I get angry and tension. So please tell me how to control myself and get the work done by others. Sathvik, one of my boss is careless, slow, and negative mentality. How to deal with him? Om Shanti. देखिए सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज जैसा कि अभी डिस्कशंस में आया है वो इम्पोर्टेंट है वैल्यूज. क्योंकि जब हम वैल्यूज को अपने जीवन में और अपने कार्य व्यवहार में, खास तौर से प्रशासनिक कार्य व्यवहार में, जो भी प्रशासनिक या प्रबंधकीय उससे जुड़े हुए हैं, तो प्रशासकीय और प्रबंधकीय जीवन में उसको कार्य में लाते हैं, अपनाते हैं, अमल में लाते हैं, तो उससे धीरे धीरे करके हमारे साथियों में या जिनके लिए वो है यानी बेनिफिशियरीज उनमें, और धीरे धीरे करके हमारे बॉसेस में जो हमारे सुपीरियर्स हैं उनमें फेथ पैदा होता है हमारे कार्य प्रणाली, कार्य व्यवहार और हमारे कार्य को देख करके, और उससे ही टीम बिल्डिंग भी होती है यानी यूनिटी भी आती है धीरे धीरे करके. जो आपने प्रश्न पूछा है उसमें
खास तौर से यदि हम सही ढंग से उस पर विचार करें तो आवश्यकता इस बात की है कि हर एक कार्यालय में, हर एक जगह पर, यहाँ तक कि अपने परिवार में भी वैरायटी ऑफ पीपल होते हैं, यानी अलग अलग तरह की सोच, अलग तरह की मानसिकता और अलग अलग तरह से व्यवहार करने वाले उनमें होते हैं। जो अच्छा करते हैं उनको हम एप्रिशिएट करते जाते हैं, उनको सराहना देते हैं, लेकिन आवश्यकता इस बात की भी है, इसके मामले में हमें ज़्यादातर सीखना चाहिए माँ से, क्योंकि माँ खास तौर से उस बच्चे पर ज़्यादा ध्यान देती है जो थोड़ा कमज़ोर होता है, जो थोड़ा मंदबुद्धि है मान लीजिए, या जिसमें किसी ना किसी तरह की कमी है, वो उसकी कोई ना कोई अच्छी चीज़ को पहले अप्रिशिएट करती है और उसको सुनकर के वो औरों की बात माने ना माने, लेकिन माँ की बात वो ज़रूर मान जाता है। यानी हम में, हमारे अंदर भी एज बॉस, हम नॉर्मली बॉस के मोड ऑफ रोल में तो ज़्यादातर रहते हैं, लेकिन कभी कभी हमें रोल में भी चेंज लाने की आवश्यकता पड़ती है। इसको ही कहते हैं चेंज ऑफ माइंडसेट और पैराडाइम शिफ्ट। यानी हम अगर ऐसे मामले में माँ के रोल में भी उनके लिए आ जाएं, ऐसे कर्मचारियों के लिए, यानी सब हर एक व्यक्ति में कोई ना कोई गुण, विशेषता, अच्छाई जरूर होती है। जैसे टाइम थोड़ा है लेकिन फिर भी मैं कहूँगा, राजस्थान की भूमि में इस शरीर का जन्म हुआ, वहाँ पर पहले डाकू वगैरह लोग भी होते थे, लेकिन उनका एक कुछ सिस्टम था और वो सिस्टम ये था कि वो अमीरों को लूटते थे और गरीबों में बांटते थे, इसलिए वहाँ के गरीब उनको सपोर्ट किया करते थे। दूसरा उनका ये था कि वो जाने से पहले अपने अधिष्ठात्री जो भी देवी या देवता हैं उनके मंदिर में, वहाँ पे भी ज़रूर जाते थे। यानी उनके मन में भी हैं डाकू, गलत काम कर रहे हैं, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ अच्छाई, कोई ना कोई चीज़ उनके अंदर भी है ना। जैसे हम सब परमात्मा के बच्चे हैं तो वो तो सभी को निभाता है, हम सभी में कोई ना कोई कमियां भी हैं, अच्छाइयां भी हैं, सबको निभाता है, सबसे प्यार भी करता है। तो ऐसे खास तौर से जो, जिनको हम रिकॉल्सिट्रेंट भी कह सकते हैं, जो सुनना ही नहीं चाहते, करना ही नहीं चाहते कुछ उस तरह से, तो उनमें भी ज़रूर कोई ना कोई अच्छाई होगी, उसको हम ढूंढें, उसको अप्रिशिएट करें। थोड़ी तो इसके लिए हमें पेशेंस की ज़रूरत होगी, एक माँ वाला गुण अपनाना पड़ेगा और उनकी अच्छाइयों को ज़रूर उनके सामने रखें। वो उन्होंने गलत किया उसको एक बार अनदेखा कर दें, उसकी तरफ एक तरफ से कुछ समय के लिए आँख मूंद लें, निश्चित रूप से वो कुछ ना कुछ आगे आपकी सुनना जरूर शुरू करेंगे। और जब शुरू करेंगे सुनना तो उस वक्त भी पहले आप उनके अच्छी चीज़ को, अच्छे कार्य को, कभी ना कभी कोई ना कोई अच्छा काम उन्होंने ज़रूर किया होगा। हो सकता है कि जैसे वो आपकी सुनते ना हो लेकिन रेगुलर टाइम पर आ जाते हो, तो आप उनकी पंक्चुअलिटी का ही अप्रिसिएशन दे दीजिए उसको, उससे ही उनके अंदर एक आपकी बात सुनने के लिए एक आधार तैयार हो जाएगा। मैं आपको उदाहरण दूँ, एक ऑर्गेनाइजेशन में मैं इंडस्ट्रियल एस्टेब्लिशमेंट था, वहाँ पर था, उसमें तेल आता था और उससे हम हाइड्रोजनेटेड ऑयल और रिफाइंड ऑयल और वो चीज़ें बनाते थे। यूनियन के लोग और कुछ लोग उसमें शिकायत बार बार करते थे कि साहब ये क्वालिटी का ठीक से ये नहीं होता है, इसमें ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है। एक दो बार उनका सुनने के बाद में मेरे मन में विचार आया कि इन्हीं से बात करते हैं। वो अगले बार जब आए तो मैंने उनसे बात किया और मैंने उनसे कहा कि मान लीजिए कि इस ड्यूटी को, चेक करने की ड्यूटी को आपको दे दें तो आप क्या इसमें हमारी मदद करेंगे? तो उन्होंने कहा हाँ साहब ज़रूर। हमने उनको वो ड्यूटी सौंप दी और बिलीव मी, जो यूनियन के पदाधिकारी, जो जिनके बारे में ज़्यादातर ओपिनियन ये भी था कि साहब ये तो काम ही नहीं करते, उन्होंने वो कभी कभी रात में भी, कोई ट्रक वगैरह आते थे तो रात में भी वो जाग करके और
जाते थे, सही तरह से उसके सैंपल्स लेते थे, उनकी कोडिंग करते थे और फिर उसके आगे एनालिसिस होती थी लैब में और उसके बाद में उसके पास होता था और उसके हिसाब से आगे की कार्रवाई होती थी। और आधी आधी रात के आसपास भी उन्होंने वो काम किया और उसका सकारात्मक परिणाम हमें मिला, वो भी खुश हुए और ऑर्गेनाइजेशन को भी फायदा हुआ। तो ये बात है कि हम उनकी कैपेसिटी, उनकी कुछ अच्छाई, उसको ज़रूर देखें परखें और उनको एप्रिशिएट करें तो निश्चित रूप से वो हमारी बात ज़रूर सुनेंगे। बॉस का थोड़ा डिफ़िकल्ट हो सकता है लेकिन यह चीज़ उनके ऊपर भी लागू होती है। मैं आपको एक टाइम कम है लेकिन फिर भी एक एग्जांपल दूंगा। कैबिनेट सेक्रेटरी साहब के सामने एक मामला था, उन्होंने हमसे कुछ कहा, वो थोड़ा सा टाइम लग गया, उसमें नहीं हुआ। आई वॉज लेबर कमिश्नर उत्तर प्रदेश एट दैट टाइम, तो मैं था कानपुर में और उन्होंने लखनऊ से फ़ोन किया, मीना तुमने वो कुछ नहीं किया, मैंने आपको पहले भी कहा जल्दी से आइए। मैंने कहा सर मैं आता हूँ लेकिन मुझे दो घंटे से ऊपर तो वैसे ही यहाँ से ट्रैवल में ही लग जाएगा टाइम, तो मुझे टाइम दीजिए मैं ज़रूर आता हूँ। मैं रास्ते में थोड़ा सा मेरे अंदर चिंतन चला कि लगता है इस आत्मा को कुछ थोड़ी सी मेरे तरफ से भी योग के दान की ज़रूरत है। वो बहुत ज़्यादा इम्पेशेंट हैं, अशांत हैं, तो उनको कुछ शांति की और कुछ उस तरह की ज़रूरत है। और आप ये मानिए कि मेरे अंदर वो जो भय और चिंता कि मुझे डांटेंगे फटकारेंगे ये करेंगे वो तो ख़त्म ही हुआ, लेकिन उनके बेनिफिट के लिए जैसे वो कि ये मुझे बुला रहे हैं। और मैं जब गया उनके सामने, उन्होंने पूछा तो मैं भी जो है उस तरह से मैंने उनको कहा कि सर आपके दर्शन हुए तो बहुत अच्छी बात है, बहुत दिनों से आपसे मुलाकात भी नहीं हुई लेकिन ये मामला था इसके उसमें हम आए आपके सामने। और वो थोड़ी देर तक देखते रहे, मेरे कुछ थोड़ा सा मुस्कान सी आ रही थी और वहाँ पे प्रिंसिपल सेक्रेटरी होम भी बैठे हुए थे। तो कुछ देर बाद में वो अपनी बात कहते रहे, जब उनकी बात ख़त्म हो गई तो उसके बाद में उन्होंने देखा कि ये मीना के अंदर तो कुछ रिएक्शन ही नहीं हो रहा है, ही इज़ स्टिल स्माइलिंग। तो उन्होंने प्रमुख सचिव गृह प्रिंसिपल सेक्रेटरी होम को कहा देखो मैं इस मीना को डांट रहा हूँ और ये फिर भी मुस्कुरा रहा है, और ये कहते हुए उनके चेहरे पर भी मुस्कान आ गई। तो ये डिपेंड करता है कि अगर हमारा एटीट्यूड, नंबर वन पहले तो हम स्टेबल हों, अपने आप को अपने अंदर ताकत भरें, वो मेडिटेशन से आपके अंदर ज़रूर आएगी निश्चित रूप से। इसलिए राजयोग मेडिटेशन का अभ्यास आप जरूर सभी के सभी शुरू करें, ये मेरा पर्सनल रिकमेंडेशन है। वैसे तो सभी इस बात को कह ही रहे हैं लेकिन मेरा भी पर्सनल रिकमेंडेशन अपने एक्सपीरियंस के आधार पर है। दूसरा, फिर हम दूसरे का बेनिफिट ज़रूर सोचें। जब तक हम दूसरे का बेनिफिट नहीं सोचेंगे तब तक वो हमारी बात को सुनेंगे ही नहीं। और ये गारंटी से मान लें कि हमारी सोच के जो वाइब्रेशंस हैं दे ट्रेवल मच मोर फास्टर देन एनीथिंग एल्स, और उसका असर उनके ऊपर होता है। और जो भी फिर हम उसके बाद में बात करेंगे उसका सकारात्मक प्रभाव, पॉजिटिव रिस्पॉन्स जरूर आएगा। थैंक यू। जिसका भी प्रश्न था वो संतुष्ट हुए होंगे। अभी हम घड़ी को भी देख रहे हैं, समय भी जा रहा है और प्रश्न तो इतने सारे ढेर आए हैं, लेकिन लास्ट एक प्रश्न और उसके बाद हम समापन करेंगे। तो मैं बिना बेंच से पूछना चाहूँगा, डू वी हैव एनी टूल्स, क्विक टूल्स व्हाइल वर्किंग टू रिस्पॉन्ड व्हेन एट द टाइम ऑफ क्राइसिस mistakes from team and differences of opinion with boss at the time of crisis mistake from team and differences of opinion with our boss how to deal with what is the tools quick tools how to respond om shanti
आप सभी को पता है लाइफ इज अ टीम वर्क. वो ऑफिस हो, घर हो, सोसाइटी हो या इंस्टीट्यूशन हो, एनीवेयर इट इज़ अ टीम वर्क. और जब क्राइसिस होती है तो टीम पर रिस्पॉन्सिबिलिटी भी ज़्यादा होती है और एक्सपेक्टेशंस भी ज़्यादा होता है. और एक्सपेक्टेशंस इतना ज़्यादा होता है कि सामने वाला जो मैं चाहता हूँ वैसा ही हो, लेकिन ज़रूरी नहीं कि वैसा हो जाए. इसी के कारण कई बार जिसने हमें काम सौंपा है, जिसको बॉस कह रहे हैं यहाँ पर, जिसने हमें काम सौंपा है उनका हमारी ओर से माना टीम से बहुत सारे एक्सपेक्टेशंस होते हैं. हाँ, ज़रूर जब हम टीम में वर्क करते हैं मनभेद ज़रूर हो सकता है, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन तो होना जाहिर है, वो तो होगा ही. लेकिन हम सबको ये याद रखना है जब हम टीम में काम कर रहे हैं वी आर वेरी फ्री टू गिव अवर सजेशंस. लेकिन ये नहीं मान के चलना है कि मेरी सजेशन ही काम में आएगा, जो बॉस डिसीजन लेगा वो ही टीम में काम में आएगा. क्योंकि टीम का ये रूल ही होता है कि सजेशंस हम हर कोई दे सकते हैं लेकिन टीम को फॉलो करना बॉस का सजेशन ही होता है. तो बॉस के सजेशंस को जब हम फॉलो कर रहे हैं, क्राइसिस भी है और कह रहे हैं कि बॉस और इनके बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट हो जाते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल मीना भाई जी कह रहे थे कि फर्स्ट ऑफ ऑल क्या चाहिए कि जो मैं कर रहा हूँ उसके ऊपर मुझे विश्वास होना चाहिए, मैं गलत नहीं हूँ. और मैं गलत नहीं हूँ अगर ये मुझे क्लैरिफाइड है, और अगर मुझे बॉस के साथ मिसअंडरस्टैंडिंग है, फर्स्ट थिंग हम मुझे क्या करना चाहिए, पर्सनली बॉस को मेरी ओपिनियन को क्लैरिफाई करना चाहिए, तभी जो मनभेद है वो ख़त्म हो जाता है. अगर मैं टीम के सामने बॉस को काटूंगी या काटूंगा तो ऑटोमेटिकली और मनभेद मतभेद में बढ़ जाता है क्योंकि वहाँ ईगो हर्ट हो जाती है. और इसके टूल्स क्या हैं, इसके टूल्स हैं, हम मान के चलेंगे कि देखिए जैसे हमारे शरीर है इसमें ऑटो नर्वस सिस्टम भी है और कुछ हम लोग अपने आप भी करते हैं. इसको बदलना है, ऑटो नर्वस सिस्टम में भी हमारी ब्रीदिंग है, ये है, इसके ऊपर भी हमारे वाइब्रेशंस काम करता है, आप सभी को पता है. हम सोच के श्वासोच्छ्वास नहीं कर रहे, वी आर नॉट ब्रीदिंग, कि सोच के ब्रीदिंग नहीं हो रहा है, अपने आप चल रहा है. लेकिन अगर मैं पॉजिटिव हूँ, अगर मैं अंदर से प्योरीफाइड हूँ तो मेरे ब्रीदिंग में भी बहुत पावर होता है. स्लो ब्रीदिंग, इनफ ब्रीदिंग इज देयर, ये भी पावरफुल हो जाता है. तो क्यों हम अपने टीम के अंदर फर्स्ट टूल हमारे बनाए रखे पॉजिटिविटी, दूसरे टूल हम बनाए रखे कि जो भी टीम का काम होगा वो बॉस के कहने पे होगा. हमारे संस्था में एक बहुत अच्छी बात हमको सिखाते हैं, अपनी बात रखने के लिए आप बालक हो, अपने आप बात रखते समय आप मालिक हो, कुछ भी आप अपना ओपिनियंस दे सकते हो, लेकिन करते समय आप बालक हो. जो आपको डायरेक्शन मिले उसी पर आपको चलना है, अपना नहीं चलाना है. तभी ये मनभेद या मतभेद या क्लैशेस आने का ये कारण होता है. ठीक है, आपको लगता है कि बॉस इज नॉट करेक्ट, तो उसे भी बताने का एक ढंग होता है कि बॉस इज बॉस, उनका अपना पोस्ट है, तो उसको भी बहुत प्यार से, सम्मान से, अगर हम पॉजिटिव एटीट्यूड से समझाया जाए वो ज़रूर समझेगा, लेकिन नॉट इन द टीम, वो पर्सनली समझाना होगा. और क्राइसिस दूर करने के लिए अपनी ओर से हमें ट्राई करना है. हम क्या सोचते हैं, आई एम राइट यू आर रॉन्ग, टीम में यही होता है, मैं सही हूँ और आप गलत हैं, इसके कारण मेरा एटीट्यूड आपके बारे में बदल जाता है और मैं समझती हूँ आप गलत ही करते हो, जिसके कारण रिलेशंस खराब होते जाते हैं, तो टीम में काम हो नहीं पाता है और ऑटोमेटिकली क्राइसिस और बढ़ती जाती है. तो क्राइसिस को ख़त्म करने के लिए पहले तो जिनके साथ क्राइसिस है उनके साथ अपनापन से पेश आना होगा, उनको हमारे ऊपर विश्वास आए. फिर टीम वर्क में भी हम अपने बॉस के साथ अच्छा रिलेशन रखें, कभी हमारे नेगेटिव एटीट्यूड ना हो, एक ये तो ऐसे ही है, मेरे पर थोपते हैं, मेरे पर विश्वास नहीं है, ये जो ब्लेमिंग नेचर हमारी है इसको दूर करना होगा. यही हमारे टूल्स बनेंगे साथ में. एक अंदर से एक स्ट्रांग बिलीफ हो कि मैं कोई गलत काम नहीं करूँगा या करूँगी, और अगर मैं जो भी करूँगी उससे मेरा भी कल्याण हो, सामने वाले का भी हो.
गलत काम करूंगा नहीं, सामने वाले को भी करने नहीं दूंगा, बट हमारी बहुत सुंदर एक उक्ति है, पुरानी जमाने से हम सुने हैं, सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात सत्यम अप्रियम न ब्रूयात। सत्य बोलना है लेकिन अप्रिय सत्य नहीं बोलना है। अगर सत्य अप्रिय है तो उसे प्रिय बना के बोलना है। जैसे शुगर कोटेड टैबलेट्स होते हैं, टैबलेट्स खिलाया भी जाता है लेकिन उसके ऊपर शुगर कोटेड होता है। थोड़ा सा हमें थोड़ा झुकना भी पड़े। और इम्पोर्टेंट है, जैसे मैडम कह रही थी कि उन्होंने बॉस के बात को भी माना, कलेक्टर के बात को भी माना, एमएलए को कॉल किया, लेकिन अपनी एटीट्यूड कायम रखा कि मैं गलत नहीं करूँगी, तो उस उनको परिस्थिति ने भी सहयोग दिया। इम्पोर्टेंट ये है, अगर हमारे अंदर की एटीट्यूड ठीक है तो सब कुछ ठीक हो सकता है। और हम क्या करते हैं टीम में जब ये ऐसी क्राइसिस है, तो भाई जी टूल की बात कर रहे हैं, हम गलत टूल अपनाते हैं। बॉस ने मुझे ऐसे डांटा, मोबाइल के साथ मैं बहुतों को वायरल कर दूंगी कि मोबाइल, बॉस ने मुझे डांटा, ये बात बॉस तक भी पहुंच जाएगी तो और डांट पड़ेगी और मतभेद बढ़ता जाएगा। जो हमारे पास आजकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं, इन इंस्ट्रूमेंट्स का गलत इस्तेमाल होते हुए भी हमारे टीम टूटते जा रहे हैं। लाइफ इज़ अ टीम, मैंने पहले भी कहा कि ये जो हमें बहुत सारे डिवाइसेस मिल गए हैं आज, आपको पता है घर में कोई किसी से बात नहीं कर रहा है। आप एक बात याद रखिए, मोबाइल एक व्यक्ति ने तो नहीं रिसर्च किया ना, इट इज़ ऑल्सो अ टीम वर्क। मोबाइल बनाते समय पहले इतना बड़ा मोबाइल था, बाद में अब इतना स्लिम हो गया, फिर बड़ा हो गया, अभी ये सभी टीम वर्क है। लेकिन वंडरफुली द रिजल्ट इज, जिस टीम वर्क ने एक मोबाइल को इन्वेंट किया उसने पूरी टीम को तोड़ दिया, अभी घर को तोड़ दिया, कोई किसी से बात नहीं कर रहा है। जो जिसको हम टूल मान के चल रहे हैं, अभी मैं यहाँ बैठी हूँ, बॉस के साथ मेरा कुछ क्लासेस हो रहा है, इमिडिएटली मैं टाइप करती हूँ क्लासेस इस दे, वहाँ से कुछ आता है उसी अनुसार मैं रिएक्ट कर देती हूँ, सोचती भी नहीं हूँ, बैठे बैठे यहाँ के हालात पूरी दुनिया में मैं फैला देती हूँ, जिसको सीक्रेट मेंटेन करना चाहिए। इसी के कारण भी रिलेशंस बिगड़ते हैं। इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि हम पहले जो भी परिस्थिति है उसको शांति से सोचें, और अपने को टीम का हिस्सा जब हम मान ही रहे हैं तो बॉस का रिकॉर्ड भी रखें, और ये नहीं सोचे कि बॉस के जो सोच है वो शायद हमको समझ में नहीं आती हो, आगे के लिए उनकी अच्छी सोच हो, है ना, कि आज के दिन में वो गलत लग रहा है लेकिन फ्यूचर में उसका कुछ उनका अलग प्लान हो, क्योंकि इज एक्सपीरियंस देन मी, इट इज़ ऑल्सो पॉसिबल। इसलिए हम किसी को गलत नहीं कह सकते, गलत ठहरा भी नहीं सकते, लेकिन वर्तमान सिचुएशन को हैंडल करते हुए स्मूथली अगर हम कर सकते हैं तो ये बहुत अच्छा होगा, मुझे लगता है। लेकिन जिसने भी पूछा है कैसी क्राइसिस है, उसी के आधार से पर्सनली, क्योंकि जनरलाइज कुछ थिंकिंग अलग होती है, पर्सनलाइज कुछ अलग होती है, लेकिन वैल्यूज़ को इम्बाइब करते हुए अगर आगे चलेंगे तो बहुत ईजिली हम कुछ भी हैंडल कर सकते हैं। देर इज़ नो इम्पॉसिबल, है ना, लाइफ में कोई इम्पॉसिबल चीज़ है नहीं। ओम शांति। ये वासंती बेन ने प्रश्न पूछा था, है बैठे संतुष्ट हुए? अच्छा, अभी हम इसके अंतिम पहलू में जाते हैं, उसके पहले हमारी बहन जी सुनीता सरकार जी जो सुनाना चाहती थी, लास्ट में कहा कि एक स्टोरी सुनाती हूँ। थैंक यू सो मच फॉर गिविंग मी अनदर अपॉर्चुनिटी सर। जस्ट वांटेड टू शेयर अ स्टोरी विथ यू। अ टूरिस्ट हु वॉज वॉकिंग अराउंड अ सिटी केम अपॉन अ कंस्ट्रक्शन साइट। Now he saw three men busy with the task of laying bricks. He just wanted to check their source of motivation, the source of inspiration. And so with this at the back of his mind, he questioned each one of them that, what are you doing? So the first man said, I am laying bricks. Just have one thing at the back of your mind,
three of them doing the same work. The tourist asks the same question to three of them. The first man says, "I am laying bricks." The same question he asks the second person. And what does that person say? "I'm building a wall." Again, he puts the same question to the third person. And what does the third person say? The third person says, "I'm building a cathedral or a temple." Now you see, the three men doing the exact the same job. The first man had an ordinary outlook, that is, get your job done. The second man had a normal outlook, that is, make something big. You can get big money out of it. The third man had a bigger picture, a greater outlook, an extraordinary outlook, you can say. And what did he say? That I am building a cathedral. Seeing the bigger picture and not the brick, not the wall, but the cathedral, and doing his bit, playing his small part in making something very spectacular. Such inspired individuals are happy to be a part of the larger purpose, happy to work together as a team, giving their 200% to what they do. Not only do they feel fully satisfied with their work, not only do they grow professionally, but they become heroes, often the unsung heroes, in creating something incredibly amazing. So just ask yourself now and then, are you laying a brick? Are you building a wall? Or are you building a cathedral? And let me tell you, you will have that change in outlook, and you will do outstanding work. The measure who we are is what we do with what we have. Yes, ladies and gentlemen, the choice that we make in our lives is in our own control. And spirituality is about learning how to make those right choices. When we learn to make those right choices, we learn to live a transformed, happy, and fulfilled life, despite all the turbulence and problems that are going around us. It is said, when we are beautiful, it is God's gift to us. But when we live our lives beautifully, it is our gift to God. Being a male or a female is a matter of birth. Being a man or a woman is a matter of age. But being a gentleman or a gentlewoman is a matter of choice. Underline that word, is a matter of choice. So let us all take to spiritual wisdom, learn to make the right choices within our control as our gift to God, and live our lives as thorough ladies and gentlemen. Thank you. Om Shanti. अभी आज के इस सत्र को हम समाप्त कर रहे हैं. समाप्ति से पहले, जैसे आदि सो अंत, अंत में भी दो मिनट उस पिता परमात्मा का शुक्रगुजार करते हुए हम भोजन के लिए प्रस्थान करेंगे.